सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सो देखिए, हमने लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे थे, वी स्टडीड अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड देन वी स्टडीड अबाउट हट्स, वेरियस काइंड ऑफ हट्स इन अर्ली वैदिक एरा, देन लेटर वैदिक एरा, ऑल्सो मॉडर्न आर्किटेक्चर, अशोका स्तंभास, चैत्यास, विहारास, एंड देन गुप्तन टेम्पल्स। नाउ टूडे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ आर क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम दिस टेम्पल आर्किटेक्चर देर आर क्वेश्चन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर मेन्स एग्जामिनेशन। देर आर डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आस्क यू वेरियस फीचर्स ऑफ द टेम्पल। टेम्पल्स आर डिवाइडेड पर्टिकुलरली ऑन देयर लोकेशंस। So we will discuss about the temple architecture of India. So temple architecture, temple architecture. So देखिए, India का जो temple architecture है, it is divided into three parts. Temple architecture is divided into three parts. जैसे इंडिया है आपका, इंडिया जियोग्राफिकली ऑल्सो इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। जियोग्राफिकली भी हम इंडिया के थ्री पार्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर नॉर्थ इंडिया, देन इज द सेंट्रल इंडिया, और आपका सदर्न इंडिया। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट भी है, बट जनरली जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वी स्टडी ऑफ टेम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है, जो नॉर्थ इंडिया में आपको टेम्पल्स मिलते हैं जनरली, उनको बोलते हैं नगरा, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल, नगरा स्टाइल। और जो आपको साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं आपका द्रविड़ियन, द्रविड़ियन स्टाइल, ठीक है। और जो जो सेंट्रल इंडिया है, हमने एक जगह पढ़ा था, जब आपका आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ एंड द्रविड़ियनाइजेशन ऑफ नॉर्थ हुआ था, मतलब इंटरमिंगलिंग ऑफ द बोथ कल्चर्स, कल्चर ऑफ नॉर्थ एंड कल्चर ऑफ साउथ, इट रिजल्टेड इनटू द न्यू काइंड ऑफ अ टेंपल आर्किटेक्चर। एंड दिस न्यू काइंड ऑफ अ टेंपल आर्किटेक्चर जो हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, उस आर्किटेक्चर को बोलते हैं विसेरा स्टाइल, VESERA, विसेरा स्टाइल। सो ये है तीन तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्टाइल, विसेरा स्टाइल एंड द्रविड़ियन स्टाइल। आगे हम इसको डिस्कस डिटेल में भी करेंगे। सो वंस अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे पूछा था क्वेश्चन, नगरा, विसेरा एंड द्रविड़ियन आर थ्री टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन थे पेंटिंग्स और स्कल्पचर, एक और कुछ ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन था टेम्पल आर्किटेक्चर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब यूपीएससी को भी पता चल गया है कि बच्चे आज के डेट में इतने सिंपल नहीं रहे हैं, तो बच्चों के पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वी स्टडी अलॉट इन टूडेज एरा। तो अब क्या है, क्वेश्चन को वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं वो, दे आस्क यू द फीचर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्पल्स, दे विल गिव यू वन स्टेटमेंट एंड दे विल इंटरचेंज द फीचर of Dravidian and Nagara style, then they will ask you whether this statement is correct or wrong. So that you people have to identify in your preliminary examination. And in the main examination, there can be or there are question, there have been question in the past directly from this particular chapter of temple architecture. So firstly, we will discuss about Nagara style of temple architecture. So first give the heading Nagara style, N-A-G-A-R-A, STYLE, Nagara style of temple architecture. So write down few things about Nagara style and then we will draw how the temples of Nagara look like. So write down first, all the North Indian temples belongs to Nagara style of temple architecture. So, temples between
कश्मीर एंड नर्मदा वैली, जनरली जो कश्मीर से शुरू होते हैं आपकी और नर्मदा वैली के बीच का जो टेम्पल्स हैं उनको बोलते हैं हमारे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। एंड दीज टेम्पल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय राजपूत्स, द राजपूत्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो हम पढ़ेंगे आगे जब हम मिडिवल हिस्ट्री में बात करेंगे, उन्होंने ये टेम्पल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करा था। जैसे बहुत सारे आपके चंदेलाज थे बुंदेलखंड के, चौहानाज थे, वो राजपूत सबके राजस्थान के थे, दे इंट्रोड्यूस द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो इतना आपने लिखा। अब इसके बारे में इनके कुछ पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट राइट डाउन कौन कौन से पार्ट है, देन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज प्लिंथ, फर्स्ट वन इज प्लिंथ। प्लिंथ इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, प्लिंथ के आगे लिखो रेज्ड प्लेटफॉर्म, एंड दिस प्लिंथ हैज स्टेयर्स। एंड सेकेंड वन इज सेंक्टम, सेंक्टम वी ऑल्सो डिस्कस्ड इट यस्टरडे ऑल्सो। यस्टरडे हमने पढ़ा कि सेंक्टम इज द प्लेस वेयर मेन डेटी इज कैप्ट, एंड दिस सेंक्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गर्भगृह और सेंक्टम सेंक्टोरम, सेंक्टम सेंक्टोरम कल भी हमने पढ़ा है। तो इसको गर्भगृह भी बोलते हैं और सेंक्टम सेंक्टोरम भी बोलते हैं और सिर्फ सेंक्टम भी बोलते हैं। इट इज द प्लेस वेयर मेन डेटी इज कैप्ट, तो ये है आपका सेंक्टम। तीसरा जो आपका पार्ट है उसे बोलते हैं शिखरा, शिखरा। शिखर मींस जो आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग रहता है उसे शिखर बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे शिखर क्या होता है। फोर्थ वन इज अमालका, अमालका, अमालका। एंड जो आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इज कलशा। देखो हिंदुइज्म में कलश की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कोई नया कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया कोई शुभ कोई कार्य करते हैं, तो कलश की स्थापना से ही सारे कार्य शुरू होते हैं। आपने देखा होगा न्यूली वेड, जब हम किसी की शादी होती है, जो नई वधू आती है, न्यू फैमिली मेंबर, उनका जो स्वागत होता है वो भी कलश के साथ करते हैं। चावल गिराती है पैर से, फिर एंट्री होती है। और जब भी कोई भी पूजा पाठ होता है सबसे पहले कलश स्थापना होती है। तो मंदिर भी जब बनता है, मंदिर में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। जब मंदिर बन के कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी एक कलश स्थापना होती है, तो ये आपका कलश है। अच्छा, जो ये शिखरा है, शिखरा हैज गॉट टू शेप्स। तो कल भी हमने पढ़ा था, कल हमने तीन शेप्स पढ़ी थी, तो ऐसे तीसरी भी हो सकती है, बट जनरली देर आर टू शेप्स। वन इज ओवल शेप एंड अनदर वन इज पिरामिडल, ओवल एंड पिरामिडल। शिखरा की दो शेप्स थी जनरली, ओवल एंड पिरामिडल, बट इट कैन बी स्क्वेयर ऑल्सो। लाइक वी स्टडीड इन गुप्तांश, देर कैन बी स्क्वेयर शेप्ड शिखरा ऑल्सो। तो जनरली, बट जनरली हमारा सिर्फ दो तरह का था, ओवल एंड पिरामिडल। तो ये है हमारा नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, इनके जो टेम्पल्स थे सिंपल थे, ज्यादा कुछ इसमें हौच-पौच नहीं होता था, सिंपल होते थे। तो देखेंगे हम कैसे इनके टेम्पल होते थे। तो जैसे फर्स्ट वन ये आपकी लाइन थी, ये था आपका लैंड सरफेस, लैंड सरफेस, ये लैंड सरफेस था। इसके ऊपर सबसे पहले रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते थे, रेज प्लेटफॉर्म। देखो रेज प्लेटफॉर्म जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इन्फर करते हैं कि जो नॉर्थ का रीजन है, जैसे हम बात करते हैं आपका बिहार वाला जो रीजन है और एमपी का कुछ एरिया है, दिस रीजन वॉज प्रोन टू फ्लड्स, फ्लड्स बहुत ज्यादा आते थे। तो इसलिए क्या करते थे, वो जो टेम्पल था उसको एक प्लिंथ और रेज प्लेटफॉर्म पर बनाते थे, सो दैट अगर फ्लड आए, बारिश हो, तो उनके टेम्पल में वाटर इंट्रूड ना करे अंदर। इसलिए इट इज सेड कि इसलिए प्लिंथ बनाते थे वो। तो जनरली आप देखेंगे कई जगह साउथ इंडिया में हमको ऐसा प्लिंथ देखने को नहीं मिलता है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लड तो साउथ इंडिया में भी आता है। हाँ, टुडे साउथ इंडिया में फ्लड आता है, बट जो साउथ की रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर नहीं है जनरली, साउथ की रिवर्स है जो, बट नॉर्थ इंडिया की रिवर आर पेरिनियल, तो उसमें फ्लड के चांसेस ज्यादा रहते थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो जो ये रेस्ड प्लेटफॉर्म है इट इज कॉल्ड प्लिंथ। सो दिस प्लिंथ ऑल्सो हैव स्टेयर्स, सो इसमें आपकी स्टेयर्स होती हैं। सो दिस प्लिंथ ऑल्सो हैव सम स्टेयर्स।
ये आपका प्लिंथ और ये है आपकी स्टेयर्स। इस प्लिंथ के ऊपर आपका जो मेन सेंटम है, सेंटम यहां पर होता था तो, और यहां पे आपका इसके अंदर आपका मेन डेटी को प्लेस करते थे। दिस वॉज योर सेंक्टम, दिस प्लेस वॉज कॉल्ड सेंक्टम, सेंक्टम और गर्भगृह वेयर मेन डेटी वॉज केप्ट। तो इसके ऊपर जो आपका नेक्स्ट पोर्शन था ओवल शेप, इट वॉज योर शिखरा। शिखरा कैन बी ऑफ पिरामिडल शेप ऑल्सो, बट मैं इसको ओवल शेप में ड्रॉ कर रहा हूं। और इसके टॉप के ऊपर, शिखरा के टॉप के ऊपर दे यूज टू कैप्ट हेयर कलशा, ये होता था आपका कलशा। और जो ये होता था आपका, इसको बोलते थे आपका शिखरा। इसके बाहर कई जगह पे ऐसी ऐसी डेकोरेशन होती थी, डेकोरेशन और कई जगह पर शिखरा के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता था। कई जगह पे हमको मिला है कि कई जगह कोई मेटल की रॉड यूज करते थे इसके तरफ, ऐसा कुछ करके आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता था कि इसके चारों चार, इस टेंपल के चारों चार ऐसा स्ट्रक्चर होता था। उस स्ट्रक्चर को बोलते थे अमालका। कई जगह पे हमको अमालका नहीं देखने को मिलता है, बट ये जो स्ट्रक्चर था शिखरा के ऊपर मिलता था एक राउंड शेप में। कई बार ये आपका किसी मेटल को यूज करके जो आपका शिखरा था उसके चारों तरफ ऐसे राउंड करके बनाते थे, उस स्ट्रक्चर को बोलते थे अमालका। तो ये आपके पांच पार्ट्स है इसके, प्लिंथ, सेंक्टम, शिखरा, कलशा, अमालका। ये है आपका नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये आपको ड्रॉ करना है अपने नोट्स में भी, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली सो आपको उसमें भी ये ड्रॉ करना है, मेन्स एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है। सो यू कैन ड्रॉ इट बेटर, तो मेरी ड्रॉइंग तो इतनी ही है, बट आप इसको बेटर बना सकते हो थोड़ा सा। बट देखो ट्राई करना है, जब भी आप मेन्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आपको पेंटर नहीं बनना है, यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर पेंटर्स, बस आपको रफ स्केच बनाना है सो दैट एग्जामिनर नो कि आपको आता है, उसे पता लग जाना चाहिए कि योर फैक्ट्स आर क्लियर एंड दैट इज वाई यू आर एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं। अगर आप पेंटिंग करने बैठोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, उसी में आप चित्रकारी करते रहोगे और पेपर छूट जाएगा। रिमेंबर मेंस एग्जामिनेशन में गिव ऑल द क्वेश्चन इक्वल प्रायोरिटी। एक क्वेश्चन जो आपको आता है उसमें जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है उससे ज्यादा टाइम कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन आप कितना भी अच्छा लिख दोगे एग्जामिनर विल नेवर गिव यू मोर देन 50% मार्क्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से ज्यादा नहीं देगा वो, आप कितना भी अच्छा लिख दो, हद से 5.5 या 6 दे देगा, उससे ऊपर नहीं देगा कभी भी। आपको हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज देनी है, सो दैट इज हाउ यू प्लान योर मेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए ये था हमारा नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नगरा स्टाइल के काफी सारे टेम्पल्स हैं, उनके बारे में लिखेंगे, तो इसके जो एग्जाम्पल्स भी है उनके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट टेम्पल इज ऑफ सन टेम्पल एट मोदेरा, सन टेम्पल एट मोदेरा, मोदेरा इज इन गुजरात, सन टेम्पल मोदेरा गुजरात। फिर लिखो विश्वनाथ टेम्पल एट, कहां पे है विश्वनाथ टेम्पल बताओ, कहां पर, कर्नाटका नहीं, वी आर स्टडिंग अबाउट नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नगरा मीन्स नॉर्थ में, काशी वाराणसी, देखो अयोध्या तो सिर्फ वाराणसी, झांकी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आपका जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वो काशी बनारस में, आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल इन बनारस। और जो नेक्स्ट आपका टेम्पल है कांडारिया महादेव टेम्पल, KANDARIYA कांडारिया महादेव टेम्पल। सो कांडारिया महादेव टेम्पल इज इन एमपी मध्य प्रदेश। एंड एक और टेम्पल है आपका, उसका नाम है कामाख्या देवी टेम्पल। सो वेयर इज कामाख्या देवी टेम्पल, असम, असम। सो इट इज द टेम्पल वेयर
No idol is there. Just the image of Yoni is there. They worship female deity. So और वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अब आप एग्जाम्पल्स लिख लो, इसके बारे में आपको नॉलेज अपने नोट्स में ऐड करते रहना, जहां से भी कोई भी पॉइंट मिलेगा, सो यू विल ऐड इट देयर। जैसे और आपका टेम्पल है एक जगन्नाथ टेम्पल, फटाफट से लिखो, इसको ऐड करना है आपको बाद में। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है वो सबको पता है, नहीं पता तो यू विल फाइंड इट आउट। जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल एंड योर लिंगराज टेम्पल ऑल आर इन उड़ीसा। बाकी फाइंड आउट करना है इनके बारे में। देखो बहुत सारे टेम्पल है, वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी टेम्पल इन क्लास। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती है, यू हैव टू ऐड दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स फॉर वैल्यू एडिशन पर्पस। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट राइट डाउन द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो दीज टेम्पल्स आर सेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पल्लवाज। पल्लवाज इंट्रोड्यूस दीज टेम्पल्स। सो राइट डाउन, इनके भी काफी सारे फीचर्स हैं इनके, जो इनके फीचर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं इनके। फर्स्ट वन इज योर सेंक्टम। सेंक्टम सभी का होता है, क्योंकि सभी का डेटी होगा और डेटी विल बी प्लेस समवेयर। सो सेंटम, सभी टेम्पल्स में आपको सेंटम देखने को मिलेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका शिखरा। शिखरा, शिखरा जैसे हमने पढ़ा, जो आपका सेंटम के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं शिखरा। अब यहाँ पे एक और आपको एलिमेंट मिलेगा इसके द्रविड़ियन टेम्पल में। शिखरा के ऊपर एक और एलिमेंट होगा, उस जो एलिमेंट है, जो आपका पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं आपका विमाना। शिखरा एंड विमाना, यहाँ पे दो इनके पार्ट हैं, शिखरा एंड विमाना। तो देखिए आप नोटिस करोगे कभी, जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं उनकी हाइट एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल काफी ज्यादा होती है। साउथ के टेम्पल्स की हाइट बहुत ऊंचे ऊंचे उनके विमानास होते हैं, विमानास फिर ऊपर शिखरा होता है। मैंने उल्टा बता दिया, विमाना नीचे रहता है तो उसके ऊपर शिखरा रहता है। वी विल ड्रॉ इट, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो उनकी हाइट भी ज्यादा ऊंची होती है एज कंपेयर टू टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो सेंक्टम, शिखरा, विमाना। फिर एक और होता है मंडपम। मंडपम क्या होता है? मंडपम इज अ काइंड ऑफ अ गेटवे और इट इज अ टाइप ऑफ हॉल। आपने देखा होगा जैसे बीच में आपका मंदिर है, उसके दोनों तरफ या कई जगह चारों तरफ बीच से ऐसी गैलरीज हैं, कॉरिडोर्स हैं। वो क्या है, पिलर्ड हॉल रहता था, एक पिलर्ड हॉल। उसमें प्रेयर भी करते थे और उसमें डांस भी करते थे, और डांस इन द सेंस जो भक्ति टू प्लीज द गॉड जो डांस किया जाता था वो उस मंडपा में करते थे। सो इट वॉज अ पिलर्ड हॉल एंड इट कैन बी इवन इन वन साइड ऑल्सो एंड कैन बी ऑन द बोथ द साइड ऑफ द टेम्पल। और कई जगह पे आपको तीन साइड में, चार साइड में भी हो सकता है, बट जनरली इट वॉज इन टू साइड ऑफ द टेम्पल मंडपम। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको बोलते थे मंडपम। तो जो आपका साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वहां पे हमको क्या मिलता है, हर टेम्पल, हर तो नहीं कहूंगा, मतलब 90% टेम्पल के आसपास हमको टैंक मिलता है, एक वाटर टैंक। उस वाटर टैंक में इट वॉज फॉर रिचुअल बेथिंग, और आपको जैसे आप मंदिर जाते हो आपको हाथ पैर धोने के लिए। अभी आपने देखा होगा टेम्पल्स में, अगर आप कहीं भी बड़े टेम्पल में जाओ, जैसे अमृतसर जाते हैं, अमृतसर में जब आप एंटर करते हो गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारे के बाहर एक कंटिन्यूस वाटर फ्लोइंग एरिया है वहां पे, जहां से आप एंट्री करते हो, सो दैट आप अपने पैर धो सको, आपके जो गंदगी है पैरों में वो साफ हो जाए। तो वैसे ही साउथ इंडिया में भी उस टाइम पे एक टैंक का प्रोविजन था, सो दैट अगर किसी को पानी की जरूरत है, अब कोई बाहर से आ रहा है, तो टेम्पल में इट वॉज थॉट दैट कि टेम्पल इज अ सेक्रेड प्लेस, तो वहां पे आपको गंदगी नहीं ले जानी है। तो इसलिए वहां पे क्या आपके रहते थे, टैंक्स रहते थे, और जो वो टैंक्स थे उस टैंक को बोलते थे थेप्पम।
थेप्पम, THEPPEM, थेप्पम। और जो आपका ये साउथ इंडिया के टेम्पल थे, इसमें टेम्पल की एक बाउंड्री भी होती थी, टेम्पल के चारों चारों बाउंड्री रहती थी, और बीच से आपकी जो एंट्रेंस होती थी, एक गेट होता था, उस जो गेट था उस गेट को बोलते थे गोपुरम, गोपुरम। अब जनरली गोपुरम दो साइड से भी होता था, जनरली इट वॉज फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से गोपुरम होता था। जो मंडपम है आपका, जैसे आपका बीच में टेम्पल है, दोनों तरफ मंडपम है और दोनों तरफ गोपुरम है, दोनों तरफ से एंट्रेंस है। लेकिन कई जगह पे आपका जो गोपुरम है वो सिर्फ एक तरफ हमको देखने को मिलता है। अब यूपीएससी कैसे कंफ्यूज करेगा आपको, सपोज आपने कोई कहीं पढ़ा कि गोपुरम वॉज ऑन द बोथ द साइड ऑफ टेम्पल, तो आपके दिमाग में सिर्फ यही रहेगा कि वो दोनों साइड में था। बट रिमेंबर इट कैन बी एट वन साइड ऑल्सो, इन मैनी ऑफ द टेम्पल इट इज सीन दैट गोपुरम इज ओनली एट वन साइड, नॉट ऑन बोथ द साइड। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चन करता है, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर रिलेटेड टू द्रविड़ियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, या आपसे पूछ देगा नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें आपको ऑप्शन में विमाना और थेप्पम दे देगा। तो वहां आपको फिर समझना है कि आपका थेप्पम कहाँ पे है, नॉन नगरा में है या आपका द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में है। जो सेवंथ आपका लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट इज कलशा, कलशा, कलशा। तो जैसा नॉर्थ में पढ़ा हमने, वैसे भी उधर भी था नॉर्थ में। तो अब ड्रॉ करते हैं इसको कि कैसा कैसा हमको ड्रॉ करना है एग्जाम में। देखिए, एक तो आपका शुरू में आपका ये आपका लैंड सरफेस था, ये लैंड सरफेस था और लैंड सरफेस के ऊपर ही टेम्पल था। प्लिंथ आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका लैंड सरफेस था। इसके ऊपर आपका ऐसे ये आपका जो विमाना था, और यहां से ऊपर आपका ऐसे शिखरा, और यहाँ पे ऊपर आपका कलशा। तो ये था आपका विमाना, ये आपका शिखरा और ये कलशा और ये आपका सैंक्टम। सैंक्टम के दोनों तरफ आपका ऐसे पिलर्ड हॉल था, ऐसे ये आपका जो ये पिलर्ड हॉल है इसको बोलते थे मंडपम, मंडपम, क्लियर। और आपका मंडपम के बाद एक जगह पे आपका जो हमने टैंक की बात करी, ऐसे आपका वाटर टैंक था, उसमें आपकी ऐसे स्टेयर्स होती थी अंदर एंट्रेंस के लिए चारों तरफ से। इस जो आपका टैंक था, इस टैंक को बोलते थे थेप्पम, इस टैंक को बोलते थे आपका थेप्पम। और इसके बाद आपका यहां पे गेटवे रहता था, ये आपका गेटवे। सो गेटवे यूज टू बी लाइक दिस, थोड़ा यहां पे स्पेस कम है सो आई कैन नॉट ड्रॉ हेयर। सो इस तरफ भी आपका एक गेटवे रहता था, तो ये जो आपका गेटवे था, इस गेटवे को बोलते थे गोपुरम। ये आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन तो आपको ये ड्रॉ करना है। तो इसके पार्ट्स, आई होप पार्ट्स आर क्लियर टू यू नाउ। सो कलशा, शिखरा, विमाना, मंडपम, थेप्पम एंड गोपुरम। So if a question comes in preliminary examination, you people should remember that these are the parts of Dravidian style of temples. So UPSC will confuse you among these names. It will give you options and you have to identify whether this option belongs to Nagara style of temple architecture
or to the Dravidian style of temple architecture. So these were the main parts. So now we have discussed the architecture of Dravidian style of temples. Now we have to write few examples so that if a question comes in exam and they ask you that this temple belongs to which dynasty or this temple belongs to which type of temple architecture, you people are able to answer that question. So write down few examples of Dravidian style of temple architecture. So first temple is your Panch Pandav Ratha temple. Panch Pandav Ratha temple. So we people have discussed about this temple, Panch Pandav Ratha temple. So built by Narsimha Varman. Narsimha Varman. So second temple is Kailashnath temple. So Panch Pandav Ratha temple is at Mahabalipuram. हमने पीछे भी लिखा है ये, फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूँ, पीछे भी लिखा है, एक बार लिख दो आप फिर से. कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम एंड देन शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम. ये कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये दोनों बनाए थे आपके नरसिम्हा वर्मन टू ने, और जो पहले वाला था वो बनाया था नरसिम्हा वर्मन वन ने. क्लियर? तो एक और एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, हमने एग्जांपल्स पढ़े थे काफी सारे, तो लिख लो उसको अभी भी. जैसे नटराज टेम्पल एट चिदंबरम, कल पढ़ा था हमने, बाय परांतक चोला. नटराज टेम्पल एट चिदंबरम. फिर आपका कोडम्बलूर टेम्पल एट त्रिची, त्रिचुरापल्ली, अगेन बाय परांतक चोला. बृहदेश्वरा टेम्पल, कल पढ़ा था, पेरिया कोयल भी बोलते हैं जिसको, बृहदेश्वरा टेम्पल और पेरिया कोयल, बाय राजा राज चोला. बृहदेश्वरा टेम्पल बाय राजा राज चोला. देन वॉज यूर गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, इट वॉज बाय राजेंद्र चोला. सो वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट ऑल दीज टेम्पल्स इन यस्टरडेज क्लास. बस आपको बता रहा हूँ सो दैट आप इसको जॉट डाउन कर दो, आप जहां पे आपने टेम्पल आर्किटेक्चर लिखा है फॉर योर रिविजन पर्पज. सो क्लियर इतना? तो ये था हमारा द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. उसके बाद हम पढ़ेंगे वो है हमारा वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. वेसरा स्टाइल. सो दिस वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चालुक्याज ऑफ बदामी. वेसरा स्टाइल. वेसरा स्टाइल. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चालुक्यास और बदामी. सो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देखो वेसरा स्टाइल जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. हमने पहले भी पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स की अपनी डिस्टिंक्शन थी और साउथ इंडिया के टेम्पल की अपनी कुछ कैटेगरी, उनकी अपनी कुछ फीचर्स थे. जो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इट बोरोड फ्यू फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स एंड फ्यू ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स. इसलिए इसको मिक्स्ड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एज वेल एज योर मिक्स्ड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वेसरा वन एंड वेसरा टू. सो पहले बात करते हैं वेसरा वन, जो आपका ये था वेसरा वन. इसको ड्रॉ करेंगे पहले वेसरा वन को. तो जैसे आपका इसमें प्लिंथ वॉज देयर और आपकी इधर से स्टेयर्स थी, दिस वॉज योर प्लिंथ एंड दिस वॉज योर स्टेयर्स. और प्लिंथ के ऊपर आपका जो था वो था आपका सेंक्टम. प्लिंथ के ऊपर था आपका सेंक्टम. इसका जो आर्किटेक्चर था सिमिलर सा था, जैसा हमने आप नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा वैसा सा सिमिलर सा आर्किटेक्चर था. और इसके ऊपर आपका, बस फर्क ये था जो आपका
नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसका जो शिखरा था वो थोड़ा छोटा होता था, लेकिन इसका शिखरा थोड़ा बड़ा होता था। तो बड़ा शिखरा मतलब इन्होंने साउथ से, कोई साउथ इंडिया का जो टेम्पल है उनसे इंस्पिरेशन ली होगी, तो वैसा वैसा इन्होंने बनाना शुरू करा। तो इसके ऊपर आपका, ये आपका सेंकटम था, इसके ऊपर आपका थोड़ा, यहाँ पे स्पेस कम है तो आप थोड़ा बड़ा बना देना इसको। ये आपका फिर शिखरा था, और लास्ट में ऊपर आपका कलश था। जैसा आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल थे आपके नगरा स्टाइल में, वैसे से ही उसके मिलते जुलते थे। नो मंडपम, नो थेप्पम, नो गोपुरम। नो मंडपम, नो थेप्पम, नो गोपुरम। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल लिखो वेसरावन का, विष्णु कट टेम्पल, जो विष्णु केव टेम्पल एट बदामी। बदामी इज अ प्लेस इन कर्नाटका, विष्णुकट टेम्पल बदामी। फिर है आपका विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष, VIRUPAKSHA, विरूपक्ष टेम्पल एट पटडक्कल, 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 विरूपक्ष टेम्पल एट पटडक्कल। और लड़खन टेम्पल, LADD, लड़खन टेम्पल, इसके बारे में आप फाइंड आउट करके आओगे। लड़खन टेम्पल, चलो बता देता हूँ, ये ऐहोल में है, ऐहोल, लड़खन टेम्पल एट ऐहोल। तो ये है हमारा वेसरा वन। जैसे हमारा वेसरा वन है वैसे ही उसकी तरह क्या आपका वेसरा टू, वेसरा टू है। वेसरा टू में आपको साउथ इंडिया का थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वेसरा टू में। तो जब तक आपका वेसरा टू आया तब तक साउथ इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो उसमें क्या था, जैसे सपोज इट वॉज योर लैंड सरफेस, जैसे आपका ये लैंड सरफेस था, तो इसके ऊपर पहले तो प्लिंथ था, रेज्ड प्लेटफॉर्म, दिस वॉज प्लिंथ, और यहां पे आपकी थी स्टेयर्स, यहां पे आपकी स्टेयर्स थी, ये थी आपकी स्टेयर्स। उसके बाद यहां पे होता था आपका सेंक्टम, वैसे ही सेंटम के ऊपर आपका शिखरा, एंड ऑन द टॉप ऑफ शिखरा देयर वाज कलशा, शिखरा कलशा, दिस वाज योर सेंटम। नाउ जो वेसरा टू वाले थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया स्टाइल सीखा साउथ इंडिया से ही, जो साउथ में प्रेवेलेंट था। इन्होंने क्या करा कि टेम्पल के हम दोनों तरफ तो मंडपम नहीं बनाएंगे, मंडपम जो हॉल होता था काफी बड़ा, इन्होंने क्या करा कि हम एक तरफ मंडपम बना देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा एक तरफ इन्होंने मंडपम बनाना शुरू कर दिया। ये था आपका वेसेरा टू वाला जो आर्किटेक्चर था, वेसेरा टू। अब यहाँ पे जो रिमार्केबल जो चेंज आया, जो साउथ इंडिया में था वहां पे रेज प्लेटफॉर्म नहीं होता था, मंडपा एंड सेंक्टम जमीन पे बनाए जाते थे, लेकिन जो वेसेरा टू वाले लोग थे उन्होंने जो नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है आपका, उसके बीच वाला रीजन, नर्मदा एंड कृष्णा रिवर के बीच का, एग्जैक्ट वो नहीं था बट जनरली जो वो वाला रीजन था उस पे आपका वेसरा टू था, उन्होंने आपका ये वाला टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ कुछ, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है दुर्गा टेम्पल एट आईहोल, दुर्गा टेम्पल आईहोल, सो क्लियर इतना।
आई होप किसी में इसको कोई डाउट नहीं है यहां तक। अच्छा अब ये तो था हमारा टेंपल आर्किटेक्चर, नाउ वी आर डन विद आवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द क्लास। स्टिल अगर हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है भक्ति मूवमेंट, वो हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के बाद, हम जब बात करेंगे इस्लामी जो इन्विजन के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट को, कुछ फिलोसफीज भी है उसमें, वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो देखिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सिलेबस पूरा है। अच्छा एक बात जो हम कल बात कर रहे थे, कल इशिका ने पूछा था एक डाउट क्लास में कि मुमुड़ी का मतलब क्या होता है, एक टाइटल का हमने पढ़ा था, राज राज चोला का शायद ये टाइटल था, मुमुड़ी चोला। तो मुमुड़ी का मतलब क्या होता है, मुमुड़ी का मतलब होता है द पर्सन हैविंग थ्री क्राउन्स, मुमुड़ी मीनिंग पर्सन हैविंग थ्री क्राउन्स, बिकॉज जो राज राज चोला थे ही वॉज हैविंग थ्री क्राउन्स, मीनिंग ही वॉज द रूलर ऑफ थ्री किंगडम्स ऑफ द साउथ, द इम्पोर्टेंट किंगडम्स ऑफ साउथ वर चेरा चोला एंड पांड्या। सो चोला का तो ये थे ही, चोला के तो वैसे ही ये रूलर थे, इनकी डायनेस्टी चोला, बट ही डिफीटेड चेराज ऑल्सो एंड पांड्याज ऑल्सो, सो ही वॉज हैविंग अंडर हिज कंट्रोल थ्री किंगडम्स, सो दैट इज वाई ही टुक द टाइटल ऑफ मुमुड़ी, मुमुड़ी चोला। सो दैट्स ऑल अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, द एज ऑफ इन्वेजन्स। द इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट वी स्टडी इन स्कूल बट द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत। हाउ मेनी ऑफ यू, अब आपसे मैं पूछूं, आप सभी को किस किस को अपने स्कूल में किसी ने राजराज चोला के बारे में पढ़ा है, पढ़ाया किसी ने स्कूल में राजराज चोला के बारे में या संगमेश के बारे में? नो सर। कोई आईसीएससी वाला तो नहीं आप में से, आईसीएससी वाले ने पढ़ा हो शायद? तो देखो अभी जो अमित शाह जी जो डिमांड उठा रहे हैं कि हमें हिस्ट्री चेंज करनी है, स्कूल करिकुलम चेंज करना है, वो इसी बात की डिमांड उठा रहे हैं। जो भी रीजन रहा, जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है, व्हाट वी स्टडी इन आवर टेक्स्ट बुक्स, वो टेक्स्ट बुक्स में जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, दैट हिस्ट्री इज ओनली ऑफ मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इंडिया की सर उनमें चेंज हुआ है। क्या हुआ है सर? अभी जो बुक्स आ रही हैं 6th-7th क्लास की, उनमें चेंज हुआ है हिस्ट्री में। अच्छा हुआ है उसमें चेंज, चलो बहुत बहुत। हाँ जी सर। तो हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया के इतिहास को यूपीएससी एस्पिरेंट के अलावा भी जो बाकी लोग हैं वो लोग भी भारत का इतिहास जाने, क्योंकि मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के बाहर भी इंडिया का एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो आप सभी ने पढ़ी लिया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की, उसको एज ऑफ इन्वेजन्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेजन्स हुए इंडिया के। तो इट इज सेड जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड देन इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। सो देखो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी ऐसे डिवाइड करते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हैज द डोमिनेंस ऑफ हिंदुइज्म, देन द मिडिवल हिस्ट्री विल हैव द डोमिनेंस ऑफ इस्लाम, एंड देन केम द ब्रिटिशर्स इन योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जब हमारी शुरुआत होती है, मिडिवल हिस्ट्री की, नॉर्थ में हमने लास्ट जो रूलर पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट हर्षा, इफ यू पीपल रिमेम्बर, हर्षा के बारे में हमने पढ़ा था, बैटल ऑफ नर्मदा। तो हर्षा के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो बाद में क्या बन गए थे, राजपुत्राज, मतलब राजपूत। तो नॉर्थ में अब कौन है, राजपूत्स, राजपूत्स रूल कर रहे हैं आपके नॉर्थ में। और इस टाइम पे जब नॉर्थ में राजपूत्स रूल कर रहे हैं, साउथ में आपके मान लो राजा राज चोला भी थे, ठीक है, कंटेम्पोररी थे। उसके बाद राजपूत के बाद आपकी आएगी, अब जो हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो इनके टाइम पे जो हम पढ़ेंगे, साउथ साउथ इंडिया में थे हमारे बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर। लास्ट में आप जब हम पढ़ेंगे, लास्ट हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में,
और जब मुगल्स आपके नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, साउथ इंडिया में आपका मेन जो रूलर थे वो थे आपके मराठास। राजपूत के टाइम पे राजराज चोला, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर्स, और आपके मुगल इंडिया में जब आप मुगल आपके नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे तो साउथ इंडिया में आपकी मराठास थे। जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम मराठास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे कि मराठास ने कैसे कैसे मुगल्स को डिफीट करा बहुत जगह पर, और कैसे मराठा इतने क्लोज आ गए थे, दे वर टू रूल इंडिया, दे वर टू डिफीट मुगल्स, बहुत करीब थे जीत के लेकिन किसी किसी फैक्टर की वजह से कर नहीं पाए, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमको कुछ कुछ राजपूत रूलर्स के बारे में जानना पड़ेगा। देखो जब हर्षा जो हमारे रूलर थे, हर्षा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। हर्षवर्धना की जब हम बात करी थी, लव ट्राइंगल हमने पढ़ा था, शशांक के बारे में हमने पढ़ा था अगर आपको याद है, हर्षवर्धना उनके उनकी बहन, राज्यवर्धन, राजश्री, तो वो सब हमने पढ़ा था। तो उनके मरने के बाद जो हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो कई बार ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर हर्षास डिफीट हु वर द मेन रूलर्स, और राजपूत कौन कौन से कहाँ कहाँ जगह पर थे, तो उनके बारे में लिखेंगे पहले। तो उनके बारे में लिखिए, फर्स्ट वन तो थे आपके प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज, राजपूत रूलर्स, प्रतिहारा ऑफ कन्नौज, प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज। तो इनका ऐसे लिख देना, एक इंपॉर्टेंट रूलर था उनका, उनका नाम था हरीश चंद्र, प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज। एक और क्वेश्चन आता प्रीलिम्स में, देखिए हमने उस दिन भी पढ़ा लास्ट क्लास में अगर आपको याद है, तो कन्नौज जो था, कन्नौज वाज वेरी सुपीरियर किंगडम ऑफ दैट टाइम। कन्नौज के ऊपर जो अभी जैसे लोकसभा में आपका मैंने पहले ही बताया था, जैसे अभी यूपी रहता है इलेक्शन में, कोई भी इलेक्शन होता है यूपी जीत लिया तो भारत जीत लिया, वैसे ही उस जमाने में था कन्नौज। अगर कन्नौज किसी ने जीत लिया तो कन्नौज से वो पूरे आपका नॉर्थ इंडिया पर डोमिनेंस कर सकता था। इसीलिए जो कन्नौज था उसके लिए स्ट्रगल रहता था बहुत कि कन्नौज की सीट हमको जीतनी है, हमें कन्नौज के ऊपर राज करना है। तो तीन किंगडम थे उस दौरान उस टाइम, एक तो थे आपके प्रतिहाराज ऑफ कन्नौज, दूसरे थे आपके राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी जो हमने पढ़ा था, दांते दुर्गा ने स्टार्ट करी थी, एक जो थे प्रतिहाराज और थे एक राष्ट्रकूटाज, और एक डायनेस्टी और थी वो थे पालाज। पालाज भी हमने कल पढ़ा था, धर्मपाला जिन्होंने गैंजिस वाटर के 15,000 पॉट्स गिफ्ट करे थे राजेंद्र चोला को। तो ये तीन जो किंगडम थे इनके जो रूलर थे आपस में लड़ते रहते थे, क्यों लड़ते थे, बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज। तो कन्नौज सॉरी, तो ये कन्नौज के ऊपर रूल करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जो प्रतिहारास थे, प्रतिहारास काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो इंडिविजुअली पहले राष्ट्रकूटा ने प्रतिहारास पर अटैक करा बट प्रतिहारास ने उनको हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पालास ने भी इंडिविजुअली प्रतिहारास पर अटैक करा, प्रतिहारास ने पालास को भी हरा दिया। नाउ व्हाट दे डिड, जो आपके राष्ट्रकूटाज हैं, राष्ट्रकूटाज और पालास ने आपस में अलायंस कर दिया, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादियां कर दी आपस में, अपनी बहनें ब्याह दुर्गर और अलायंस कर दिया आपस में, मैट्रिमोनियल अलायंस। नाउ द कंबाइंड आर्मीज ऑफ राष्ट्रकूटाज एंड पालास अटैक्ड प्रतिहारा, बट द प्रतिहारास वर सो स्ट्रॉन्गर दैट दे डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ पालाज एंड राष्ट्रकूटाज ऑल्सो। सो प्रतिहाराज एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस ओवर द कन्नौज। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट विच थ्री किंगडम्स पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। सो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल मीन्स कि तीन किंगडम्स का स्ट्रगल। सो रिमेंबर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल मतलब प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज। सो एक तो ये किंगडम हमने पढ़ा। तो दूसरे थे आपके तोमर्स ऑफ दिल्ली, आपने अभी भी सुना होगा बहुत से लोग तोमर्स होते हैं हरियाणा के आसपास के लोग, पान सिंह तोमर। तो जो तोमर्स थे वो भी आपके राजपूत से, फिर आपके चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, चौहानाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। सो पृथ्वीराज चौहान थे
वो इसी वंश को बिलोंग करते थे, चौहानाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। थोड़ा थोड़ा कुछ बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। फिर एक थे सोलंकीज ऑफ अहिवारा, ANHIWALA, सोलंकीज ऑफ अहिवाला, अहिवाला वॉज इन गुजरात, सोलंकीज ऑफ अहिवाला। फिर थे आपके काला चूड़ीज ऑफ छेदी, काला चूड़ी ऑफ छेदी, काला चूड़ीज ऑफ छेदी। छेदी इज अ प्लेस, आई थिंक इट इज इन एमपी और यूपी और कुछ किसी भी में, एमपी में है शायद, काला चूड़ीज ऑफ छेदी, नहीं आई थिंक ये उड़ीसा में है शायद, उड़ीसा में है छेदी, काला चूड़ीज ऑफ छेदी। फिर आपका थे चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल रूलर्स, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। फिर एक और डायनेस्टी थी हिंदू शाहीज ऑफ सिंध, सिंध भी इंडिया का पार्ट था, अखंड भारत, हिंदू शाहीज ऑफ सिंध। फिर थे आपके सेनाज ऑफ बंगाल, सेनाज ऑफ बंगाल। एक और रूलर थे सेनाज के अलावा बंगाल के, वो थे आपके पालाज ऑफ बंगाल, पालाज ऑफ बंगाल। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है पालाज ऑफ बंगाल। देखिए ऑल द राजपूत्स जो हमने पढ़े अभी, ऑल द राजपूत्स वर हिंदूज, सभी हिंदूज थे एक्सेप्ट वन, वो है आपका पालाज ऑफ बंगाल। जो पालाज ऑफ बंगाल थे वो आपके बुद्धिस्ट थे, दे फॉलोड वज्रयाना बुद्धिज्म, वज्रयाना बुद्धिज्म, वज्रयाना बुद्धिज्म। सो दिस वॉज अ रिपब्लिकन किंगडम, रिपब्लिकन किंगडम मतलब वहां पे राजा सेलेक्ट करने के लिए वोटिंग की जाती थी। ऑल्दो ऑल द पीपल वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स, बट फ्यू पीपल पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग, एंड इवन फीमेल्स वर ऑल्सो गिवन वोटिंग राइट्स। सो रिमेंबर पालाज वॉज अ रिपब्लिकन किंगडम एंड इवन फीमेल्स वर गिवन द राइट टू वोट। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द पालाज वॉज धर्मपाला, धर्मपाला वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। सो दे इंपॉर्टेंटली धर्मपाला एंड पालाज एस्टेब्लिश्ड टू यूनिवर्सिटीज, विक्रम शिला एंड उदांतीपुरी, विक्रमशिला एंड उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी, दे कंस्ट्रक्टेड विक्रमशिला एंड उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी। उनका जो रीजन था वो बिहार के आसपास तक था, बिहार में, बिहार तक भी उनका इंफ्लुएंस था, तो बिहार में है ये यूनिवर्सिटीज। एंड दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मोनेस्ट्री एट गया, तो गया में उन्होंने एक मोनेस्ट्री भी बनाई पालाज ने। और दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैसे हमने पढ़ा कल पेंटिंग के बारे में, हमने पढ़ा जैसे आपका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, वैसे ही उन्होंने इस्टेब्लिश कर अपना पाला स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट था आपका, इट वॉज अ बुद्धिस्ट स्कूल, तो उसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती थी, एंड थीम वॉज वज्रयाना बुद्धिज्म। तो ये सब था हमारा पालास के बारे में और राजपूत के बारे में। देखिए जो उस जमाने के रूलर्स थे राजपूत से, राजपूत वर नोन फॉर टू थ्री थिंग्स, जो राजपूत के ट्रेड्स थे, अभी भी आप देखोगे जो राजपूत के कुछ भी वंशज हैं अभी भी अपने आप को उसी लेगेसी के साथ देखते हैं, बट ऑल दो उनकी लेगेसी अब उतनी ज्यादा रही नहीं। सो राजपूत वर वेरी, तो सबसे ज्यादा क्या थे वो, लॉयल और ऑनेस्ट थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे राजपूत, सच बोलते थे, और दे वर वेरी इगोइस्टिक, जो मेल ईगो जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा ईगो था राजपूत में, बहुत बहुत ज्यादा ईगो था उनमें, कभी झुकते नहीं थे किसी के आगे, प्राण चले जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वैसा वैसा ईगो था राजपूत का। दूसरा क्या था उनका, कान के बहुत कच्चे थे राजपूत, भोले थे, किसी की बातों में एकदम से आ जाते थे, मुस्लिम से इसलिए वो हार चुके क्योंकि एक तो उनमें ईगो बहुत ज्यादा था, यूनिटी बहुत कम थी, दे केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर्स, जो जितने भी राजपूत हमने पढ़े आपस में लड़ रहे थे, आपस में हमेशा ही लड़ते आ रहे थे। अगर ये राजपूत में यूनिटी होती तो इस्लाम इन्वेजन इंडिया का कभी ना हो पाता, बट जो राजपूत से वो काफी इगोइस्टिक और नॉन यूनाइटेड से लोग थे, बहुत डिसयूनिटी थी इनमें,
तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका फॉल हो गया और पूरा जो आपका नॉर्थ इंडिया का किंगडम है, इट केम अंडर द इस्लाम रूलर्स। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हमारी एज ऑफ इन्वेजन की। तो हमारी एज ऑफ इन्वेजन जो शुरू होती है, वो हमारी शुरू होती है किसके किसके टाइम, कौन आता सबसे पहले बताओ, कौन आया था? सर बाबर बाबर। अच्छा, और कौन कौन? मोहम्मद काफिर काफिर मोहम्मद कादिर। काफिर काफिर अच्छा ठीक है। तो देखो, वैसे तो और भी इन्वेजन हुए थे, सिंध के इन्वेजन जिससे पहले भी हुए थे, तो वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन हुआ था, वो हुआ था महमूद ऑफ गजनी। गजनी से एक रूलर आए थे, महमूद गजनी, 1000 से लेकर 1030 AD तक इनका टाइम पीरियड है। तो जो ये महमूद ऑफ गजनी थे, काफी बार्बेरियन रूलर थे। ही वॉज अ सेंट्रल एशियन टर्क, टर्क थे, सेंट्रल एशियन टर्क थे, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ यामिनी डायनेस्टी। यामिनी डायनेस्टी। सो हिज कैपिटल वॉज एट गजनी। क्लियर? सो गजनी इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। सो जो ये महमूद ऑफ गजनी थे, हिज ओनली एम वॉज टू कम टू इंडिया एंड प्लंडर इंडिया। इनका जो एम था, ये चाहते थे मैं इंडिया आ जाऊं और इंडिया पे अटैक करूं, वहां के लोगों को मारूं और इस्लाम को स्प्रेड करूं एंड डू फोर्सफुल कन्वर्जन्स। एंड ही नेवर वॉन्टेड टू रूल इंडिया। रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियर, ही नेवर वॉन्टेड टू रूल इंडिया। सो देयर कम्स अ क्वेश्चन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एंड देयर यूपीएससी गिव्स यू स्टेटमेंट्स दैट महमूद ऑफ गजनी वॉन्टेड टू रूल इंडिया। सो ही नेवर वॉन्टेड टू रूल इंडिया, ही जस्ट वॉन्टेड टू प्लंडर इंडिया, किल द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वॉन्टेड टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ इंडिया टू इस्लाम बाई फोर्सफुल मैथड्स, बट ही नेवर वॉन्टेड टू रूल, और ही नेवर वॉन्टेड टू रूल इंडिया। क्लियर? इनके बहुत सारे कंक्वेस्ट हैं, इन्होंने हिंदू शाहीज पर बहुत सारे हमले करे। हिंदू शाहीज, हमने सिंध के बारे में पढ़ा, हिंदू शाहीज ऑफ सिंध बहुत आते थे, बहुत बार इन्होंने कोई 5-6 अटैक्स करे हिंदू शाही पे। जो हिंदू शाही रूलर थे, जैसे उनको पता चलता था कि महमूद आया, तो वो लोग क्या भाग जाते थे, क्योंकि देखो इनकी जो आर्मी थी वो भी बार्बेरियन आर्मी थी इनकी, बहुत ब्रूटल लोग थे ये लोग। इंडियंस का जो रहा है हमेशा, जो यहाँ पे इंडियंस रहते थे, उनका कुछ लॉज रहे हैं वॉर को लड़ने के, बहुत सारे लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको अभी भी हम फॉलो करते हैं, वॉर क्राइम्स जिनको बोलते हैं। देर आर फ्यू कन्वेंशन ऑन विच वॉर इज फॉट। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, बट देर आर फ्यू प्रिंसिपल विच दे रिस्पेक्ट इवन इन द केस ऑफ वॉर, कि जैसे सिविलियन जो एरिया रहता है उस एरिया पे अटैक नहीं किया जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन था, वो अपने सोल्जर्स को जो सिविलियन एरिया थे उस एरिया में छिपा के रखता था, और वहां से उनके ड्रोन को अटैक कर रहा था। तो वैसे वैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बट दीज इस्लाम इन्वेडर्स नेवर रिस्पेक्टेड दोज प्रिंसिपल्स जो वॉर के प्रिंसिपल थे। सो दैट इज वाई जो इंडियन रूलर थे, इनसे हारते जा रहे थे। तो इन्होंने बहुत अटैक करे हिंदू शाहीज पे, और क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है आपका, गुजरात और राजस्थान वाला, इट इज क्लोजर टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो वहां पे ज्यादा इन्वेजन्स आपके ज्यादा होते थे। तो इन्होंने अटैक किया एक जगह आपकी थानेश्वर इन हरियाणा, तो वहां पे एक टेम्पल है चक्रेश्वर टेम्पल, चक्रेश्वर टेम्पल। सो ही अटैक्ड थानेश्वर ऑफ हरियाणा एंड ही ब्रोक दिस चक्रेश्वर टेम्पल। ही ब्रोक द चक्रेश्वर टेम्पल एंड ही टुक द इमेज ऑफ अ डेटी एंड आइडल ऑफ अ डेटी फ्रॉम चक्रेश्वर टेम्पल टू हिज कैपिटल गजनी, एंड ही ब्रोक द इमेज ऑफ चक्रेश्वर महादेव इन गजनी ऑल्सो। तो इतने ब्रूटल थे ये चक्रेश्वर टेम्पल, तो थोड़ा ही तोड़ा, और डेटी की जो इमेज थी, जो वहां का आइडल था, उसको गजनी लेकर गया अपने साथ, और वहां भी उसको तोड़ा। इट वॉज टू डिमोरलाइज इंडियंस। सो हेयर वी रिकॉर्ड द फर्स्ट टेम्पल ब्रोकिंग ब्रेकिंग। जो टेम्पल आपका सबसे पहला जो टेम्पल टूटा था, वो आपका चक्रेश्वर टेम्पल था थानेश्वर में, जो सबसे पहला टेम्पल आपका टूटा था। इसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ, इसमें आपके रूलर्स हैं
जो बहुत सेक्युलर थे, कुछ कुछ रूलर थे दे वर वेरी सेक्युलर, दे ट्रीटेड हिंदू एंड मुस्लिम्स इक्वली, उनके लिए कोई भेद नहीं था, ना हिंदू ना मैं ना कोई इस्लाम का जो मुस्लिम था, कोई भेद नहीं था, ऑल वर इक्वल। जैसे अकबर की हम बात करेंगे और भी बहुत सारे रूलर है, वी विल डिस्कस अबाउट देम, बट कुछ रूलर थे जो बहुत ही फेनेटिक थे बिल्कुल ही, आपके जैसे महमूद ऑफ गजनी था, औरंगजेब था, तो बहुत ही बायस रूलर थे, कॉम्यूनल रूलर थे, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो पहला टेंपल आपका टूटा था वो महमूद ऑफ गजनी ने तोड़ा था, आपका जो चक्रेश्वर टेंपल था, तो ये जो टेंपल तोड़ा था इट वाज इन 1014 AD। तो क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे टेंपल तोड़े, फिर आपने सुना होगा देयर इज अ वेरी फेमस टेंपल ऑफ टेंपल सोमनाथ टेंपल इन, कहां है सोमनाथ टेंपल, गुजरात, गुजरात में। सो 1024 AD ही स्टार्टेड प्लानिंग कि मैं सोमनाथ टेंपल पर अटैक करूंगा, एंड इन 1025 AD ही अटैक सोमनाथ टेंपल। इट इज सेड दैट सोमनाथ टेंपल इतना अमीर था कि जितने इन्होंने प्रीवियस कंक्वेस्ट करे थे, कोई 15-20 बार ये हमला कर चुके थे अभी तक इंडिया में, जितने इनके प्रीवियस कंक्वेस्ट थे उनमें जितना इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, धन दौलत जितना लूटा, वो सब इक्वलेंट थे वन सोमनाथ कंक्वेस्ट। सोमनाथ में अकेले ने इतना पैसा दिया जितना अभी तक के सारे इन्वेजर्स ने दिया था, सब लूट कर ले गए महमूद ऑफ गजनी। वो आपका 1025 में सोमनाथ का जो इन्वेजन हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1030 में शिव जी का इनको श्राप लग गया और 1030 में इनकी डेथ होगी, ही डाइड नेचुरल डेथ, इनकी नेचुरल डेथ हुई, कोई ऐसा फोर्सफुल इन पे किसी ने हमला नहीं करा। तो ये सब कुछ बातें थी हमारी महमूद ऑफ गजनी के बारे में। तो ये हमको कैसे पता चला कि इन्हें क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उसको पढ़ने के कुछ सोर्सेज हैं, और इनके कोर्ट में बहुत सारे दो तीन कुछ हिस्टोरियंस भी थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज हिस्टोरियंस। एक जो इनके कोर्ट में हिस्टोरियन थे उनका नाम था अल बेरूनी, अल बेरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अल बेरूनी। तो इसके बारे में लिखेंगे, ही वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, ही वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गजनी, एंड ही एकम्पनीड गजनी इन ऑल हिज कंक्वेस्ट। तो इन्होंने हर कंक्वेस्ट में उसका गजनी का साथ दिया, साथ इन द सेंस ये लड़ते नहीं थे, बस ही यूज्ड टू रिकॉर्ड। देखो बड़े बड़े जो किंग्स थे रूलर्स थे दे यूज्ड टू पैटर्नाइज मेनी हिस्टोरियंस बिकॉज दे वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री सो दैट उनके बारे में आगे दुनिया को पता चले। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं हाउ वी पीपल आर एबल टू नो अबाउट गजनी बाय दीज हिस्टोरियंस ओनली, जो इनके रिकॉर्ड्स है उससे हमको पता चलता है। तो ही वॉज अ सेंट्रल एशियन टर्क, अलबेरूनी वॉज अ सेंट्रल एशियन टर्क एंड ही रोट इन टर्किश लैंग्वेज, एंड ही रोट अ बुक इन टर्किश लैंग्वेज नेम्ड एज किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। सो इन दिस बुक अलबेरूनी राइट्स the social, political and economic conditions of India. He writes that there are few social evils in India. Like he writes about sati and also about caste discrimination in India. So, ये सब के बारे में इन्होंने इस अपनी बुक में लिखा है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन्होंने एक पर्टिकुलर चैप्टर डेडिकेट करा है। हम बोलते हैं ना भारत वॉज अ सोने की चिड़िया, सो एक पर्टिकुलर चैप्टर इज डेडिकेटेड टू वेल्थ ऑफ इंडिया, हाउ वेल्दी इंडिया वॉज एट दैट टाइम, वेल्दी इन द सेंस द टेम्पल्स वर वेरी रिच, एग्रीकल्चर वॉज फ्लरिशिंग एंड पीपल वर हैप्पी। तो बहुत सारी चीजें थी वेल्थ में जो इंडिया को वेल्दी बनाती थी उस जमाने में। तो देर इज अ डेडिकेटेड चैप्टर ऑन वेल्थ ऑफ इंडिया बाय अलबेरूनी। तो ये तो था हमारा अलबेरूनी के बारे में। तो एक और सेकंड इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, उनका नाम था उत्बी, उत्बी ही वाज आल्सो ही रोट इन टर्किश लैंग्वेज ओनली। उत्बी नेवर केम टू इंडिया, उत्बी कभी भी गजनी के साथ इंडिया नहीं आए, ही वाज इन हिज कैपिटल ओनली गजनी,
तो जो इनकी बुक है उसका जो नाम है, उसका नाम है उत्बीज रिकॉर्ड्स, उत्बीज रिकॉर्ड्स। तो उत्बी की रिकॉर्ड्स हमको बताते हैं इंडिया के बारे में क्या क्या है, और जो उत्बी के रिकॉर्ड्स है ये हमको बताते हैं कि जो गजनी है, गजनी इज नॉट अ गुड पर्सन, गजनी जो महमूद ऑफ गजनी है वो एक अच्छा आदमी नहीं है, कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ह्यूज वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया की वेल्थ बहुत, आपको हमने पढ़ी रहा इंडिया की वेल्थ के बारे में, कि इंडिया की इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी ही पुट ह्यूज टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ गजनी, फिर भी ये गजनी के लोगों से बहुत पैसा एक्सट्रैक्ट करता था। जैसे हम अभी बोल रहे मोदी जी को कि मोदी जी इतना पैसा है भारत की सरकार के पास, स्टिल यू आर पुटिंग जीएसटी ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स बढ़ा रहे हो आप बार बार, बट ऐसा नहीं है, तब इनकम टैक्स कम कर दिया है इस बजट में। वैसे ही ये लिखता है कि उत्बी के रिकॉर्ड में कि पैसा बेशक इतना लूटा था बट स्टिल उसने जो वहां के लोग थे उनको काफी ऑप्रेसिव कराया टैक्स के लिए। फिर एक और राइटर थे इनके कोर्ट में, उनका नाम था फिरदौसी, फिरदौसी। ये जो राइटर थे ही वॉज अ पर्शियन पोइट, पर्शियन पोइट। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है शाहनामा, सो इट वॉज अ पर्शियन बुक। तो देखो इसके रिगार्डिंग इट इज सेड दैट जो ये आपके फिरदौसी जी थे, ये ही वॉज अ वेरी गुड पोइट, बहुत अच्छे पोइट थे। अच्छी, आपने देखा होगा कई जो पाकिस्तान के भी और इस्लाम पोइट्स होते हैं उनकी पकड़ अच्छी होती है पोइट्री में, तो वैसे ही भी फिरदौसी भी काफी अच्छे पोइट थे। एंड उनकी जो नॉर्मल जो पोइट्री होती थी वो नेचर एंड ऑल चीजों पे रहती थी, एंड वो प्रेज करते थे, जैसे तरह तरह के कवि होते हैं, जैसे हिंदी से हिंदी में भी तरह तरह के कवि होते हैं, कई वीर रस के कवि होते हैं, कई व्यंग्य रस के कवि होते हैं। तो वीर रस के कवि मतलब जो जोशीले गाने बहुत गाते हैं, जोशीली कविता लिखती है, कविता लिखते हो, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसे वो गाना भी आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों को झंड, मस्तकों के झुंड। तो वो क्या है आपका वीर रस की है, वीर रस मतलब जो आपको मोटिवेट करते हैं। और ये जो थे ये हम ये फिरदौसी जो थे ये प्रेज करते थे बहुत ज्यादा, प्रेज करते थे नेचुरल की, नेचर की, नेचर नेचुरल जो चीजें हैं, जैसे कहीं का क्लाइमेट अच्छा है तो ही यूज टू प्रेज क्लाइमेट। तो गजनी को इसके बारे में पता चला कि फिरदौसी नाम का कोई पोएट है, तो इन्होंने फिरदौसी को बुलाया कि भाई फिरदौसी मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखो कुछ, तो आपको मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है और आपको प्रेज करनी है मेरी। बट फिरदौसी डिक्लाइंड, ही सेड कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो इनको भी पता था ये भी ऑप्रेस थे, तो ये आप एक अच्छा आदमी नहीं हो कि मैं आपके बारे में अच्छा नहीं लिख सकता, बट गजनी तो गजनी थे तो उन्होंने काफी इनको प्रताड़ित किया कि नहीं आपको लिखना पड़ेगा अदरवाइज वी विल चॉप योर हेड। तो इनको बड़ा कुछ इनको फोर्स किया लिखने के लिए, तो लास्ट में फिरदौसी ने एक बुक लिखी शाहनामा, एंड इट इज दिस बुक प्रेजेस महमूद ऑफ गजनी, एंड दिस बुक इज फुल ऑफ लाइज, दिस बुक इज फुल ऑफ लाइज, एंड ऑल दैट इज रिटन इन शाहनामा इज जस्ट अ होक्स, बस सब कुछ झूठ है, वो कुछ नहीं है उसमें सच। तो आफ्टर राइटिंग शाहनामा फिरदौसी कमिटेड सुसाइड, जब उन्होंने शाहनामा लिखा तो उनको दुख हुआ कि हमारी कला का दुरुपयोग हो रहा है और उन्होंने सुसाइड कर दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एपिसोड ऑफ महमूद ऑफ गजनी। इसके बाद आपके बीच में और भी छोटे छोटे इन्वेजन्स हुए, बट वो इन्वेजन्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्वेजन जो अब नेक्स्ट आता है आपका, वो है आपका मोहम्मद ऑफ घोरी या मोहम्मद ऑफ घुर। जो ये आपका नेक्स्ट आता है वो है मोहम्मद ऑफ घोरी, घोरी या घुर भी होता कई जगह लिखा हुआ, कई जगह घुर भी लिखते हैं। तो ये जो इन्वेजन होता है आपका 1175 से 1205 AD, 1206 भी लिखा होता है कई जगह, 1205 या 1206 आप कुछ भी लिख सकते हो उसको। 1206 में आपकी स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई थी। तो ये है हमारा महमूद ऑफ गौरी और महमूद ऑफ गुर। तो जो ये थे ये बिलोंग करते थे हमारे
शासबानी डायनेस्टी को, ही बिलोंग टू शासबानी डायनेस्टी। इनकी कैपिटल थी आपकी घुर, आई थिंक ये भी आपकी अफगानिस्तान में है घुर भी, बाकी आप चेक कर लेना। तो जैसे इन प्रेजेंट टाइम पीपल आर फॉन्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लाइक पीपल वांट टू ओन मेनी कार्स, दे वांट टू ओन बाइक्स एंड पर्टिकुलरली आईफोन्स एंड एप्पल गैजेट्स। उस जमाने में एक तो देखो ऐसी टेक्नोलॉजीज थी नहीं, तो आदमी क्या करता था, स्लेव्स काफी रखता था आदमी, स्लेव्स का काफी शौक होता था आदमी को, बिकॉज स्लेव्स उनके लिए क्या थे, असेट्स की तरह काम करते थे। किसी ने अगर कोई कोई बॉडी गार्ड रखा इन द फॉर्म ऑफ स्लेव, तो जो वो स्लेव था तो स्लेव अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता था, हर तरह के फेवर दे सकता था उनके लिए, जो स्लेव्स थे, तो काम कर सकता था और कुछ भी बोलोगे लड़ेगा उनके लिए, खाना पाया जो भी आप, यू नेम अ थिंग ही विल डू दैट फॉर यू। तो वो सब स्लेव्स करते थे। तो जो ये थे आपके मोहम्मद ऑफ घुर, ही वाज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स का बहुत शौक था इनको। तो इनके बड़े सारे स्लेव्स थे, कोई हजारों इनके स्लेव्स थे, उसमें दो इनके बहुत काफी फेवरेट थे, काफी करीबी थे इनके। उनका एक का उनका नाम था, एक तो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो ये थे, और एक दूसरे थे बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी। इन दोनों में से भी, ये तो थे देखो टॉप प्रायोरिटी में, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी। इनमें से भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ही वॉज हिज फेवरेट, ही वॉज द फेवरेट ऑफ मोहम्मद ऑफ घोरी। तो मोहम्मद ऑफ घोरी जो थे, इनका एम वॉज नॉट ओनली टू प्लंडर इंडिया बट टू रूल ओवर इंडिया। ही वॉन्टेड टू बिकम द किंग ऑफ इंडिया, ही वॉन्टेड टू रूल इंडिया। रिमेंबर वन डिफरेंस बिटवीन गजनी एंड घोरी, घोरी वॉन्टेड टू रूल इंडिया, ही वॉन्टेड टू रिजाइड इन इंडिया एंड सेटल इन इंडिया एंड टू लिव अ सेडेंटरी लाइफ इन इंडिया, बट गजनी नेवर वॉन्टेड टू रूल इंडिया। रिमेंबर वन थिंग। सो ये सब अटैक करने के लिए ही अटैक्ट, हमने पढ़ा सोलंकीज, सोलंकीज ऑफ अहिवाड़ा गुजरात, ही अटैक सोलंकीज एंड ही डिफीटेड द सोलंकीज। बहुत बहुत इनने अटैक करे, ही डिफीटेड हिंदू शाहीज ऑफ सिंध, ही अटैक ऑल दोज। फिर इनने बहुत जगह पे अटैक करा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका जो अटैक है महमूद ऑफ गोरी का, सो इन्होंने अटैक करा भटिंडा फोर्ट पर, भटिंडा फोर्ट, ही अटैक भटिंडा फोर्ट, एंड भटिंडा फोर्ट वॉज अंडर द चौहानाज, इट वॉज अंडर चौहानाज, एंड वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर ऑफ चौहानाज वॉज, यू पीपल ऑलरेडी नो, पृथ्वी राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो जैसे ही इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक, इन्होंने बटिंडा फोर्ट पर अटैक करा, पृथ्वीराज चौहान को पता चला, एंड देयर वाज अ बैटल बिटवीन मोहम्मद ऑफ गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, एंड दैट बैटल इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, TARAIN, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, एंड दिस बैटल वाज फॉट इन 1191, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191, इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर फॉर यू पीपल, व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन वाज फॉट एंड बिटवीन होम। सो देखिए इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गौरी के बारे में। सो अब हुआ क्या, देखो आपको दो स्टोरीज बताता हूँ। एक स्टोरी जो, अब एक बात तो ये कि जो हर किंग का एक हिस्टोरियन रहता था, उसके साथ एक पोएट रहता था, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान का भी एक हिस्टोरियन था। पृथ्वीराज चौहान का जो हिस्टोरियन था उनका नाम था चांद बरदई, चांद बरदई, चांद बरदई वॉज द हिस्टोरियन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड पृथ्वी राज रसो, पृथ्वीराज रसो,
दिस बुक इज रिटन बाय चांद बरदई। अब मैं पहले आपको एक स्टोरी बताता हूं जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रसो में लिखी गई है, फिर हम जो पढ़ेंगे जो हमको बाकी सोर्सेज से मिलती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो आपको यूपीएससी में लिख कर आनी है। वो तो देखिए हुआ क्या, स्टोरी क्या है, पृथ्वीराज चौहान वेरी 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 पावरफुल रूलर, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, अनडिफीटेबल रूलर। आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान टीवी पे सीरियल भी आते हैं। और आपका जो गौरी था, गौरी वॉज ऑल्सो पावरफुल, उतने नहीं थे बट ही वॉज पावरफुल। अब एक दिन हमने पढ़ा था इनके बारे में, इनके बारे में भी और एक बात और बात के बारे में, हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो किस पर हुए हैं आप सभी को पता है, बताओ किस पे? एक नारी सब पर भारी। तो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को भी एक प्यार हो गया, इनको मोहब्बत हो गई अपार। तो एक क्वीन प्रिंसेस थी, मतलब उनका नाम था संयोगिता। संयोगिता प्रिंसेस थी, बड़ी सुंदर थी, अपार सुंदरी। इन्होंने मोह लिया पृथ्वीराज चौहान को अपने, मतलब प्यार हो गया इनको बहुत ज्यादा इनसे। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था जयपाला, कई जगह जय चंद्र लिखा होता है, जय चंद्र। तो ही वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। एंड हमने पहले पढ़ा कि कन्नौज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम, सबसे स्ट्रॉन्ग था कन्नौज। तो ही वॉज द जयचंद्र वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्यार हो गया और कहीं ना कहीं संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया। बट जो आपके जयचंद्र जी थे, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस, उनके अपने रीजन थे, क्योंकि जो इनका किंगडम था कन्नौज का काफी बड़ा किंगडम था एज कंपेयर टू चौहानास। चौहानास पल तो पृथ्वीराज चौहान वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, बट इनके जो पिताजी हैं जयचंद्र, वो खुश नहीं थे इस बात से, जयचंद जी नहीं, पृथ्वीराज चौहान के साथ हम अपनी बेटी को नहीं ब्याहेंगे। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को ये पता चला कि ठीक है तुम्हारे कि अब्बा नहीं मान रहे, अब क्या करें, मतलब अब्बा को मना लेते हैं, इन्होंने क्या करा, संयोगिता के साथ ही डिड अ मैरिज बाय इलोपमेंट, भाग गए इनको भगा के ले गए अपने घर और शादी कर ली इनसे और ले गए अपने घर। अब तो जयचंद कुछ नहीं कर पाते थे, इज्जत भी चली गई, बेटी को भगा के ले गया पृथ्वीराज चौहान। अब हमने बोला, पढ़ा था पहले, राजपूत सोल वेरी ईगोइस्टिक, बहुत ईगो था उनमें। तो जयचंद का भी क्या हो गया, ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया तो अब इनको तो ईगो सेटिस्फाई करना था, जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हम लोग रह नहीं पाते चैन से। देखा होगा आपने, अगर कोई एग्जाम क्लियर ना हो तो हम क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं अपने आप को कि यार मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं हुआ मेरा, या किसी ने आपको रिजेक्ट कर लिया कि यार मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, ये कुछ भी है, बहुत तरह से हम क्या करते हैं, डिसोनेंस क्रिएट करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, सो दैट हमको दुख ना हो। तो वैसे ही जयचंद्र के जयचंद्र इनको भी प्रतिशोध की ज्वाला इनके अंदर भड़क रही थी, प्रतिशोध चाहिए था इनको। और ही वॉज अवेयर कि जो आपके मोहम्मद ऑफ गौरी है वो अटैक कर रहा है पृथ्वीराज चौहान पे। इट इज रिटन इन पृथ्वीराज रसो दैट घोरी अटैक्ड 21 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान को, 21 बार उन्होंने अटैक करा और हर बार पृथ्वीराज चौहान उनको डिफीट कर देते थे, हर बार उनको हरा देते थे। और जब हार जाते थे गौरी तो पृथ्वीराज चौहान के पैरों पर पड़ जाते थे। एंड राजपूत का हमेशा से ये इनका प्रिंसिपल रहा है कि दे नेवर अटैक द पर्सन हु इज अनआर्म्ड। तो जैसे ही घोरी अपनी तलवार फेंक देता था उनके चरणों पर पड़ जाता था तो पृथ्वीराज चौहान उनको छोड़ देते थे कि हम निहत्ते पर हम कोई वार नहीं करते। तो वैसे ही 21 बार उन्होंने अटैक करा, इट इज रिटन इन पृथ्वीराज रसो। तो अब जयचंद को बदला लेना था, इनको पता चला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने घोरी से बात करी जयचंद ने कि आप पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करना चाहते हो। तो देखो बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं हर रूलर की, हर जगह की। अब जैसे इंडियंस हैं हम लोग, हमें पता है हमारा वे ऑफ लिविंग क्या है, हम अटैक कैसे करते हैं, क्योंकि अब फॉर वी पीपल इंडियंस को इंडियंस के बारे में ज्यादा पता होता है और ये तो क्लोज ही थे काफी।
तो इनके भी गुप्तचर रहते थे। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी बातें, सारी डिटेल्स, इनकी आर्मी के बारे में जो भी है, कौन कौन स्ट्रांग है, क्या है, सब कुछ इन्होंने घोरी को बता दिया और घोरी की हेल्प करी पूरी। और घोरी की इनने हेल्प करी एंड जयचंद की हेल्प, और उसके साथ घोरी अगेन अटैक पृथ्वीराज चौहान इन 1192 AD एंड उसमें आपकी हुई सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। अब सेकेंड बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। और अभी तो हम अब आगे पढ़ेंगे जो चांद बर्देश स्टोरी में क्या लिखता है, इसके आगे क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड, आपका मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, उनको इन्होंने हरा दिया। फिर आगे जो आपकी पृथ्वीराज रसो है उसमें क्या लिखता है आगे की स्टोरी में, चलो हम आगे पढ़ते हैं उसके बाद, जब इनके गौरी के लास्ट की हम बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया और इनका जो चौहाना था किंगडम था वो भी हथिया लिया। अब 1994 में जो ये गौरी थे ही किल्ड जयचंद ऑल्सो, जयचंद को भी मार दिया, किसी के सगे नहीं थे गौरी जी, जयचंद को भी मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया। अब इनके लिए रास्ता साफ था। अब इन्होंने क्या करा, अब अभी स्टोरी कंटिन्यू है, पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने मारा नहीं है अकॉर्डिंग टू चांद बर्देश। अब क्या इन्होंने क्या किया, चलो पहले पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी बता देता हूँ आपको मैं क्या हुआ, कि इट इज रिटन इन चांद बर्देश दैट जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, जो आपका बैटल हुई थी 92 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फाड़ दी। उनको इट इज सेड कि इनके आंख में एक तीर लग गया था, उसकी वजह से ये अंधे हो गए थे पृथ्वीराज चौहान की, इनकी दोनों आंखों की शक्ति चली गई थी, अंधे थे पृथ्वीराज चौहान, अंधे थे, और इनको वो अपने साथ ले गया घोर अपनी कैपिटल। तो जब ये बात चांद बर्देही को पता चली तो चांद बर्देही ये सब बात सुनने के बाद घोरी के पास गए और घोरी के पास उन्होंने बात करी कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया हुआ था। उन्होंने बोला कि देखो जो चांद बर्देही थे वो काफी श्रीउड थे, मतलब काफी क्लेवर आदमी थे, जैसे चाणक्य थे वैसे ही वो भी, चांद बर्देही भी वैसे ही क्लेवर आदमी थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को से मिले, बातचीत करी, बोला कि देखो मैं आपको, मैं एक जो पृथ्वीराज चौहान थे वो क्या था, पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी तीर चला सकते थे, उनको ये ज्ञान था बिना देखे तीर चलाने का, आंखों पे पट्टी बांधे साउंड को सुन के अगर उनको कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देगी आपको इस दिशा में इस जगह पर अटैक करना है तो वो अटैक कर देते थे। तो जो चांद बर्देही थे उन्होंने अपनी बातों से जो घोरी थे, घोरी को कन्विंस कर दिया, घोरी को ये कन्विंस करके बोला कि घोरी मैं आपको, ये जो राजा है मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान बिना आंखों से भी जो है आपका धनुष बाण चला सकता है, तीरंदाजी कर सकता है, तो ये सब मैं आपको करतब दिखाऊंगा, आप सामने कोई पुतला रखिए उस पर देखना आप, पृथ्वीराज चौहान आपको बिना देखे भी वो मार सकता है। बट वो घोरी मान नहीं रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे साथ चैलेंज लगाओ, वैसे वैसे करके उसके भी ईगो पे उन्होंने वार कर दिया और जो गौरी था वो रेडी हो गया आपका। तो एक बड़ी सभा बुलाई गई, उस सभा में आपका पृथ्वीराज चौहान, उनकी आंखों पे पट्टी, तो पट्टी बांधते हैं या ना बांधते हैं, पर उनकी आंखें तो थी नहीं, बट फिर भी उनको विश्वास दिलाने के लिए पट्टी बांधी गई उनके आंखों के ऊपर। फिर उसके बाद आगे वो पुतला लगाया गया कि आपको इसको एम करना है। तो जो चांद बर्देही थे, चांद बर्देही ने पृथ्वीराज चौहान को इंस्ट्रक्शंस दी। इंस्ट्रक्शंस कैसे दी, उन्होंने जो गौरी था, गौरी की एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि गौरी आपसे कितना दूर है। तो उन्होंने आवाज लगाई कि उन्होंने उनको बताया कि जो बोलते हैं वो कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर जैसे ही आज्ञा ली गई, वही सुल्तान की आज्ञा चाहते हैं, सुल्तान ने बोला आज्ञा है, सुल्तान ने जैसे ही आज्ञा है बोला, पृथ्वीराज चौहान ने आइडिया लगाया कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है, साउंड के डायरेक्शन में देखे और उनको लोकेशन तो बताई दी थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़ा और डिसाइड किया कि गर्दन पर जाकर तीर लगा और घोरी की मृत्यु हो गई, ऐसे करके घोरी की मृत्यु होगी। उसके बाद इट इज सेड दैट चांद, जो पृथ्वीराज रस है उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान एंड चांद बर्देही किल्ड ईच अदर
और इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान की डेथ, चांद बरदेव की डेथ और आपके गौरी की भी डेथ हो गई। इट इज रिटन इन योर पृथ्वीराज रसो। लेकिन जो बाकी के आपके स्क्रिप्चर्स है, जो बाकी की हिस्ट्री हम देखते हैं, वो इस बात का प्रमाण नहीं देती। वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट इट इज रिटन इन द पृथ्वीराज रसो। अब सच है या झूठ है ये नहीं है, ये हम नहीं जानते। बट जो बाकी के कंटेम्पररी सोर्सेज हैं, जो कंटेम्पररी जो रूलर्स थे, वो हमको इस बात का प्रमाण नहीं देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान को धोखे से ही मार दिया गया था, 1192 में सेकेंड जो आपकी बैटल ऑफ तेरेन हुई थी, उसी में ही उसको मार दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को। फिर आगे क्या हुआ, जो आपके घौरी थे, घौरी डिवाइडेड हिज कंक्वेस्ट इंटू थ्री पार्ट्स। एक तो रखा सेंट्रल इंडिया, ये आपका ईस्टर्न इंडिया, फिर आपका वेस्टर्न इंडिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये सेड कि जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन बोला कि तुम जाओ और वेस्ट में जितने भी रूलर्स हैं, जैसे सोलंकी वगैरह, जितने भी उनके छोटे छोटे जितने भी रूलर्स हैं, सबको मार गिराओ, सबको हरा दो और वेस्ट को हत्या लो। और सेंटर पे मैं जाऊंगा, सेंटर पे जो थे आपके उड़ीसा वाला रीजन था, कालाचूड़ी वगैरह जो थे सेंटर के रीजन को, मैं सबको हरा दूंगा। सेंटर के रीजन को इन्होंने हरा दिया। और जो आपके बख्तियार खिलजी थे, बख्तियार खिलजी को बोला कि आप जाओ ईस्ट में, जाओ ईस्ट में आपके जितने भी किंगडम्स है, जितने भी रूलर्स है, सबको हरा दो। सो जो बख्तियार खिलजी है, ही डिफीटेड सेनाज ऑफ बंगाल। हमने पढ़ा था ना सेनाज ऑफ बंगाल, ही डिफीटेड सेनाज ऑफ बंगाल। और इट इज जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, विक्रमशिला और औदान्तिपुरी यूनिवर्सिटी, उन दोनों को भी तोड़ 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 के ध्वस्त कर दिया, उनकी बुक्स को भी आग जला दी। इट इज सेड दैट जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जब वो जली थी तो 3 महीने तक उसकी जो आपकी लाइब्रेरी है, 3 महीने तक उसकी जो बुक्स है उसमें आग लगती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में भी, उसमें 10,000 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे। अब गवर्नमेंट उसको कर रही है रिजोविनेट, आई थिंक वो चल भी रही है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और औदान्तिपुरी सब यूनिवर्सिटी को जला दिया। उसके बाद ये आगे गए कामरूपा, असम का पुराना नाम, कामरूपा को भी इन्होंने हड़प लिया, कामरूप को भी। और कामरूप को हड़पने के बाद ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का मतलब ही बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर, बोला कि हम किसी के अंडर नहीं है, हम नहीं जानते कोई भी गौरी को, गौरी है कोई, हम नहीं जानते, हम अपने आप में ही एक रूलर है। लेकिन जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ही वॉज वेरी क्लेवर, इनको पहले से ही पता था कि इनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपने बख्तियार खिलजी की आर्मी में कुछ अपने बंदे रख दिए थे कि जो इनके इशारों पे काम करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के इशारों पे काम करें। तो जैसे ही इन्होंने बख्तियार खिलजी ने इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, कुछ टाइम पर जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि अच्छे से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो सैनिक है, अपने सैनिकों को संदेश भिजवाया कि आप इसका काम तमाम कर दो। सैनिकों को जैसे ही फरमान आया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को मार देना है, वैसे ही सैनिकों ने बख्तियार खिलजी को मार दिया ऑन द एडवाइस ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। सो बख्तियार खिलजी वॉज एलिमिनेटेड। अब स्टोरी में बचे हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी। ये सब कुछ सेटल करने के बाद 1205 के लास्ट में जो आपके घौरी था, घौरी ने क्या बोला कि ऐबक तुम अभी के लिए इंडिया का कारोबार देखो यहाँ पर, और मैं अपनी कैपिटल गजनी जाकर आता हूँ। तो ये अपनी कैपिटल जा रहे थे, जो हमारे को सोर्सेज बताते, देखो चांद बरदेवी वाली स्टोरी अलग है, जो सोर्सेज बताते हैं हमको, तो जो वापस जा रहे थे, ही वॉज अटैक बाय होकर जाट्स, जो खोकर जाट्स है उन्होंने अटैक करा घोरी के ऊपर, एंड खोकर जाट्स अटैक्ड घोरी एंड दे किल्ड घोरी, एंड घोरी वाज आल्सो एलिमिनेटेड। नाउ रिमेन द ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक।
After the death of Ghori, Qutbuddin Aibak declared independence and he started the dynasty. He started the Delhi Sultanate. Now we will discuss about the Delhi Sultanate. He established the first dynasty, which is called Slave Dynasty. So we will study about the Slave Dynasty now. तो जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी एक स्टोरी है. इट इज सेड दैट जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मेडिसिन डिपार्टमेंट था, जो वहाँ पे था, आयुर्वेद की पढ़ाई वहाँ पर होती थी, वहाँ पे काफी एफिशिएंट फिजिशियंस थे. जो बख्तियार खिलजी था, इसको कोई बीमारी थी बख्तियार खिलजी को, ठीक नहीं हो रही थी कैसे भी. सो किसी ने इसको एडवाइस करा कि तू जा और तू वहाँ पे मिल जो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे न्यू इन एंड आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो दे कैन ट्रीट यू वेल. सो ये उनके पास गया, बट इसका भी ईगो था कि इसको ये था कि क्योंकि ये अपने धर्म को सबसे ऊपर समझता था बख्तियार खिलजी, ये इसका मत था कि आई वॉन्ट टेक एनी मेडिसिन फ्रॉम अ हिंदू. तो ये उससे, बट इसको बोला कि तू मिल ले, एडवाइस कर ले, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे. तो इसके जो कार करिंदे थे बख्तियार खिलजी के, उन्होंने वहाँ का जो फिजिशियन था उनसे ऑलरेडी बात कर ली थी कि उसका व्यू ऐसा है कि वो आपसे मिली भी कोई भी दवाई नहीं लेगा, तो आप कुछ ऐसा मेथड ढूंढो जिससे आप उससे मिलो, आपकी दवाई भी ना खानी पड़े बट स्टिल उसका इलाज हो जाए. तो इसके लिए जो वहाँ का फिजिशियन थे, उन्होंने एक उपाय सोचा कि उन्होंने क्या करा, जो अपनी मेडिसिन थी उसको पाउडरी फॉर्म में मिला के बुक में, बुक के पेजेस में लगा दिया, और बुक जो थी वो थी कुरान की बुक, एंड उस बुक में लगा दी. जैसे ही वो बुक को खोलते थे तो जिसके दवाई, जो उन्होंने दवाई दी थी उसके जो पार्टिकल्स थे वो इनहेल कर देता था बख्तियार खिलजी. इट इज सेड, ये स्टोरी है, किसी ने कंफर्म नहीं करी है, बहुत सारे फोकलोर में ये स्टोरी आती है. तो वो स्टोरी इन्होंने बुक कुरान बख्तियार खिलजी को दी. बख्तियार खिलजी को बोला कि आपने कुछ नहीं करना है, बस ये आपने बुक पढ़नी है. तो बुक पढ़ने के बाद बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गया. बाद में उसको पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसके साथ ऐसा ऐसा करा है, उन्होंने बुक में पाउडर फॉर्म में उसको दवाई खिला दी है. तो ये बात से ये चिढ़ गया, ईगो हर्ट हो गया उसका कि मेरे साथ ऐसा करा, तो इसलिए इसने बोला कि अब मैं इनकी जो यूनिवर्सिटीज है इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा सारी. तो ये एक स्टोरी आती है, इसको आपको इसे बता रहा हूँ याद रखने के पर्पज के लिए. और ये भी कहा जाता है, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि ही नेवर वांटेड टू डिस्ट्रॉय लाइब्रेरीज. जो लाइब्रेरीज थी इन्होंने सिर्फ गलती में आके लाइब्रेरी को मतलब इनको मिसकंसेप्शन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ही थॉट दैट लाइब्रेरीज कांट बी सो बिग. जैसी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ही थॉट इट ऑफ अ पैलेस, ही थॉट कि ये एक पैलेस है, महल है किसी राजे का, इसलिए इन्होंने उस पर अटैक करा. बट इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज. He wanted to destroy the learning center of India. He wanted to destroy the ancient literature of India. That is why he attacked these universities. So that was all about your Mahmud of Ghori. Now we will discuss about the Delhi Sultanate. So we will discuss about the Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate ki baat karenge hum log. To naya topic aap heading daliye, Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत, थोड़ा सा हमें इस्लाम के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में समझ पाएंगे. देखिए, इस्लाम इज अब्राहमिक रिलीजन, तो वो दे बिलीव इन अल्लाह. तो सबसे पहले तो उनकी एक हायरार्की है, उनकी जो टॉप है सबसे ऊपर उनका कौन है, तो इस हायरार्की को लिख दो, सबसे ऊपर है उनका अल्लाह, कि अल्लाह सबसे ऊपर है. उसके बाद आता है उनका प्रोफेट, प्रोफेट के बाद आता है कैलिफ, कैलिफ के बाद आता है आपका सुल्तान, कैलिफ के बाद आता है सुल्तान, और सुल्तान के बाद आता है शाह. तो अल्लाह इज सुप्रीम, देन प्रोफेट, देन कैलिफ, देन सुल्तान, देन शाह. ये इस्लाम में इनकी हायरार्की है इस्लाम में. सुल्तान कौन होता है? सुल्तान इज द वन हु कंसीडर्स कैलिफ एज हिज ओवरलॉर्ड. सुल्तान मानता है कि देखो मैं राजा तो हूं लेकिन मुझसे भी ऊपर जिसके अंडर मैं काम करता हूं वो है हमारा कैलिफ. तो उस जमाने में एबेसिड जो एम्पायर है आपका
ईरान इराक वाला एब्बेसिड एम्पायर, उसकी जो कैपिटल थी बगदाद में थी एब्बेसिड एम्पायर की, जो उसको रूल करता था वो था कैलिफ। तो लास्ट में तो उसको एबोलिश कर दिया गया, टर्की ने एबोलिश कर दिया था इसको। तो कैलिफ को अपना ओवरलॉर्ड जो मानता है दैट इज सुल्तान। और इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो देखिए एक प्रिंसिपल तो है इनका जिहाद। तो जिहाद क्या होता है बताएगा कोई? बताओ कोई, किसी को नहीं पता जिहाद? देखो जिहाद इज होली वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स फॉर एक्सपेंशन, द वॉर फॉट फॉर एक्सपेंशन। सपोज कोई स्टेट है जो इस्लामिक स्टेट है, अगर वो किसी दूसरी स्टेट के अगेंस्ट वॉर करती है फॉर एक्सपेंशन, दे वॉन्टेड टू दे वॉन्ट कि हमारा जो एम्पायर है एक्सपेंड हुए, जो ये वॉर होती है दिस वॉर इज कॉल्ड जिहाद। नाउ इट इज देर इज अ न्यू कंसेप्ट लव जिहाद। लव जिहाद क्यों बोलते हैं? लव जिहाद का मतलब होता है कि द पीपल वॉन्टेड टू एक्सपेंड देयर रिलीजन बाई मीन्स ऑफ लव, प्यार की हेल्प लेके वो अपना रिलीजन स्प्रेड करना चाहते हैं, दैट इज लव जिहाद। सो दिस जिहाद इज अ वर्ड रिटन इन कुरान, सो इट मीन्स होली वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स फॉर एक्सपेंशन। एक तो ये है, फिर एक और टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं जजिया। जजिया जजिया लिखना है इसके बारे में, देखो जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ आप ना जॉट डाउन भी करते जाना उसको। तो जजिया इज अ टैक्स इम्पोज बाय मुस्लिम रूलर्स ऑन नॉन मुस्लिम पीपल। जजिया इज अ टैक्स इम्पोज बाय मुस्लिम रूलर ऑन नॉन मुस्लिम पीपल। एंड रिमेंबर फ्यू पीपल लाइक ब्राह्मणास और प्रीस्ट, प्रीस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, प्रीस्ट सिंगल वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया। जो कमजोर तबका था उस जमाने में, नॉट टूडे, उस जमाने में जो कमजोर तबका था, जैसे अगर कोई अकेली औरत है जो अकेले रहती है, शी एंड द प्रीस, नॉट ओनली प्रीस बट बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑल्सो एंड जैन मॉन्क्स ऑल्सो, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया एंड हैंडीकैप्ड पीपल, सो दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया। तो आपका जजिया। देन देर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड जाकत। जाकत जाकत का मतलब होता है कि अ ट्रू मुस्लिम विल स्पेंड 2.5% ऑफ हिज अर्निंग्स ऑन चैरिटी। ट्रू मुस्लिम विल स्पेंड 2.5% ऑफ इनकम ऑन चैरिटी। एंड लास्ट वन इज योर हज। हज का मतलब होता है पिलग्रीमेज, ये आप लोगों को पता ही है वैसे भी, हज मतलब पिलग्रीमेज। सो दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं, इन दिल्ली सल्तनत देर आर टोटल 5 डायनेस्टीज। दिल्ली सल्तनत में आपकी टोटल 5 डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 5 डायनेस्टी के बारे में सबसे जो पहली आपकी डायनेस्टी है दैट इज योर स्लेव डायनेस्टी। तो राइट डाउन द हेडिंग स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। स्लेव डायनेस्टी, सो दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड ममलूक डायनेस्टी। ममलूक मीन स्लेव, ममलूक डायनेस्टी एंड इलबारी डायनेस्टी, ममलूक एंड इलबारी डायनेस्टी, MAMLUK, ममलूक एंड इलबारी, ममलूक डायनेस्टी एंड इलबारी डायनेस्टी, ममलूक एंड इलबारी डायनेस्टी। सो फर्स्ट रूलर, इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? एज यू पीपल नो, फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुतुब दीन ऐबक। कुतुब दीन ऐबक, सो हिज टाइम पीरियड वॉज 1206 टू
वेल 10, कुतुबुद्दीन ऐबक. सो ही वॉज अ स्लेव ऑफ महमूद ऑफ घौरी, घौरी का स्लेव था, एंड दैट टू फेवरेट स्लेव. सो इन हिज टाइम पीरियड देर वॉज नो कंक्वेस्ट, देर वॉज नो वॉर. ऑल हिज टाइम वेंट इन टू कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर. देखो जो नया नया नेता बनता है या नया नया कोई भी नई नई चीज में, अदर टाइम तो सेटल होने में लग जाता है आदमी को. तो व्हेन ही बिकेम द किंग, तो इन्होंने कोई कंक्वेस्ट नहीं करा, कोई वॉर नहीं करी. इनका जो टाइम था वो किसमें लगा, इनका सेटलमेंट में लगा. तो ही देयर वाज नो वॉर, नो कंक्वेस्ट, नो नथिंग इंपॉर्टेंट वॉर. सो ही टुक द टाइटल ऑफ लख बख्शा. लख बख्शा मीन्स गिवर ऑफ Giver of lakhs. मतलब he did charity in a great way. इनको charity करने का बहुत शौक था. That is why he took the title of लख बख्शा. मतलब इतना बख्श करता है ये, लाखों लोगों पे लुटा देते हैं. So he was the person, he was the Islam ruler who introduced jizya. जजिया इंट्रोड्यूस करा है. इससे पहले जजिया नहीं था क्योंकि इस्लाम रूलर थे नहीं, तो जजिया भी नहीं था. एंड ही लेट द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार. इन्होंने स्टार्ट करा था कुतुब मीनार को बनाना. ऑल्दो ही डिड नॉट कंप्लीट द कुतुब मीनार, ही वॉज द वन हु स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन. बट लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट द नेक्स्ट रूलर विल कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार. So next, right? He laid the foundation of Qutub Minar and dedicated it to a Sufi saint. His name was Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. And in the last, in 1210 AD, he died while playing horse polo. Horse polo, घोड़े के ऊपर बैठ के आपने देखा होगा कभी, गूगल करना. He died while playing horse polo. That horse polo game was known as Chogan. In many questions, you can find a statement where Chogan will be named in place of horse polo. You will see there Chogan. So remember, Chogan and horse polo is same. So while playing polo, he died. That was all about Qutubuddin Ayubak. Then came your next. Sorry? Keh rahe ho kuch? So he died while playing Chogan. So there comes your next ruler. Write down. Next ruler was Iltutmish. Sorry, next ruler was Aram Shah. Small ruler. He was the son of Aram Shah. So 1210 AD. थोड़े time तक ही ये ruler रहा. He was the son of Qutubuddin Ayubak. He was weak ruler, incapable and puppet ruler. ज्यादा इनने कुछ करा नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था. सिर्फ 4 months का रूल था इनका. रूल्ड ओनली फॉर 4 months. ही रूल्ड ओनली फॉर 4 months. एंड इन हिज टाइम पीरियड कैपिटल वॉज एट लाहौर. इन हिज टाइम पीरियड ऑल्सो ऑन हिज फादर्स टाइम पीरियड, एट बोथ द पीरियड कैपिटल वॉज एट लाहौर. रिमेंबर दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम दैट इन हूज टाइम पीरियड कैपिटल वॉज एट लाहौर. So remember, Aram Shah as well as Qutubuddin Ayubak, in both the time period, capital was at Lahore. So he was replaced by a person named Iltutmish. Iltutmish was the slave of Qutubuddin Ayubak and also the son-in-law of Qutubuddin Ayubak. And Iltutmish defeated Aram Shah in third battle of Tarim. He defeated
Aram Shah in the third battle of Tarain and became the king of the next king of slave dynasty. तो आरम शाह के बारे में दो ही बात इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और दूसरा 4 month रूल एंड इसके टाइम पे भी जो आपकी कैपिटल थी वो लाहौर में थी। नेक्स्ट, अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट रूलर जो आया वो है इल्तुतमिश। हिज टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1210 टू 1236। इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बात तो आपको पता है। सो ही वॉज द पर्सन हु शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली, फ्रॉम लाहौर ही शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। राइट डाउन, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड the construction of Qutub Minar by using red sandstone. He completed the construction of Qutub Minar by using red sandstone. देखिए, हर टाइम पर एथनिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you go to India, if you go to, आप कहीं भी जाओगे, आप अपने कॉलेज में भी जाओगे, if you are from Haryana, then you will find a friend circle in which people are from Haryana. आप बोलो ये अच्छा हरियाणा से है तो भाई है अपना। अब कोई पंजाब से आपको मिलेगा, कोई आपके एरिया का मिलेगा तो वो भाई है आपका। और अगर आप हिमाचल से हो, if you find someone from Himachal, you are naturally attracted to that person. You keep finding areas which are common among you two. तो ये this is the human nature. So वैसे ही he was Turk, they were Turks, slave dynasty के लोग। So in his court he created a group of nobles, group of Turkish nobles. उस group को बोलते थे Turkan A Chahal Gani, Turkan A Chahal Gani, Turkan A Chahal Gani और चालीसा, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 40, तुर्कने चाहलगनी चालीसा एंड ग्रुप ऑफ 40, एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ टर्किश नोबल। देखो टाइम के साथ साथ 1000 में जब वो इंडिया आए, इस्लाम इन्वेजन हुआ इन 1000 एडी, तो दे स्टार्टेड द कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन आपका होना स्टार्ट हो गया एंड मेनी पीपल फ्रॉम हिंदू रिलीजन एंड फ्रॉम इस्लाम एंड फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजन एंड इवन फ्रॉम जैन रिलीजन दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम। सो आफ्टर टू सेंचुरीज, अराउंड टू सेंचुरीज इन 1210 और 1236 एडी, देयर केम क्लासिफिकेशन अमंग द इस्लाम। फर्स्ट वन वॉज द टर्किश नोबल्स और टर्किश मुस्लिम्स एंड देन वर द इंडियन मुस्लिम्स। So the Indian Muslims were considered inferior as compared to the Turkish Muslims. Indian Muslims were considered inferior because they were the next generations of the converts who were earlier from the different religion. And they thought that the Turkish noble as the Turkish Muslims are the pure Muslims because their blood is not diluted. So this is the logic they thought. That is why they created Turkan-e Chahalgani, in which only the Turkan nobles, Turkish Muslims were given preference and Indian Muslims were not given such high position in this Turkan-e Chahalgani. All the nobles and important ministries were shared only among the Turkish people. Even today also there is a different categorization in the, if you go to West Asia or your region of UAE and Saudi Arabia, there are grades of Islam. They consider Indians and the people from Pakistan not as a pure Muslims. There are classes, first class, second class, third class. So this is the reason, because they are not from the pure, they think that they are not pure. So remember one thing also, in our class we will be discussing more about Islam and all, because we are studying medieval Indian history. So in this chapter there may come few things which you people may not like. So remember, my intention is not to hurt you and not to
hurt your religion or not to disrespect your religion. So my sole purpose is to teach you people and to tell what was happening in that era. Okay, fine. So kuch bhi extra polarity nahi karna apne apne aap se, main bas wo bata raha hu jo hua tha. तो आपके जो नेक्स्ट रूलर थे, जो आपके इन्होंने बनाया टर्कन चहलगानी, और जिसको चालीसा भी बोलते हैं, एंड दिस चालीसा इज आल्सो कॉल्ड किंग मेकर बिकॉज दे यूज टू सेलेक्ट द किंग हु विल बी द नेक्स्ट किंग. इफ द चालीसा इज वर्किंग फाइनली, सो दे विल डिसाइड द नेक्स्ट किंग. देर वर मेनी वाइव्स ऑफ अ किंग, देर वर 20 30 100 वाइव्स ऑफ द किंग, सो दे विल डिसाइड हु अमंग द various sons of a king will become the next ruler. So they were also called king makers. So in the time of Iltutmish, there was a threat from a Mongol ruler, and his name was Genghis Khan. There was a Mongol ruler, Genghis Khan. Hindi mein Genghis Khan bolte hai aur English mein Genghis Khan bolta hai ise. So he planned to attack India. He wanted to attack India. So he reached the Indus River around 1227 AD. He reached Indus around 1227 AD. But in the meantime, when he reached Indus, so his army was defeated by the army of a caliph. He also sent half of his army, a few soldiers of his army, towards the Abbasid Empire. Empire of a caliph. So that army was defeated by the caliph. So he, in the meantime, he was at Indus. So he diverted his army toward the Abbasid Empire because he wanted to defeat the caliph. So he left India and reached the Abbasid Empire. In 1229 AD, he fought a battle with the caliph. So in the battle, he won, he defeated the caliph, but he was coming back from that region, but he died in the midway. So important thing is, for prelim perspective, that there comes a question, in whose time there was a threat from the Mongol invader, Genghis Khan. This question has come in, I think, UPSC CAPF examination. So there was a statement. So what they do, they change the name of ruler. Like we know that the threat of invasion of Genghis Khan was during the time of Iltutmish. Now in place of Iltutmish, they will give you another name. Like they may give you Qutbuddin Aibak, or they may give you another ruler like Aram Shah or any other ruler of even different dynasty. So you people have to remember, the threat of Mongol invasion will be there in the time of many of the kings. There will be a threat of nobles. But remember, Genghis Khan came, or he came toward to the Indus River, at the bank of Indus River, during the time of Iltutmish. So till now, the Qutbuddin Aibak and Aram Shah, they were not sultans because they were not given recognition by the caliph. So Iltutmish sent a deed of investiture. A deed of investiture is a kind of a letter. He sent that letter to the caliph, and he wrote in the letter that I am the ruler of India, but I consider myself subordinate to you, and you are my overlord. Then caliph signed this letter, investiture matlab sanskar ek tarah ka. Caliph gave the recognition. Caliph gave recognition to the Iltutmish, and now Iltutmish became the first Sultan of Delhi Sultanate. He was the first Sultan who was recognized by the Caliph as the Sultan of India. So this question can also be asked in the preliminary examination. In this chapter, mostly the question will be asked on preliminary examination because this is very factual part. So question can be asked in preliminary examination that who was the first Sultan during the time of slave dynasty, or who was the first Sultan of Delhi Sultanate. So remember, Iltutmish is the answer. So Iltutmish started Ikta system. IQTA, Ikta system. So how you people will remember this? I Iltutmish and from I Ikta. What is Ikta system? Dekho, Ikta system ek tarah ka revenue collection ka system tha. इसमें क्या करते थे,
बोली लगती थी लैंड की। सपोज ये चंडीगढ़ वाला लैंड का एरिया है, अगर हम दिल्ली में होते तो राजा क्या करता, राजा करता कि भाई चंडीगढ़ का एरिया है, कौन कौन इस एरिया का 1 लाख रुपया देगा साल का, या 10 लाख मान लो, 10 लाख रुपया देगा साल का। अब जो पीपल इसकी, जो लोग इसकी हाईएस्ट बिड देते थे कि सर आप 1-10 छोड़ो, हम आपको 11 लाख देंगे, और कोई बोल दे कि नहीं मैं आपको 12 दूंगा, तो जो रूलर सबसे हाईएस्ट बोली उसकी देता था, उस जो पर्सन होता था, उस पर्सन को वो लैंड अलॉट कर दी जाती थी। अब नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दैट इक्ता। सो द होल्डर ऑफ इक्ताज वर कॉल्ड इक्तादार्स, 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 एंड इक्ता सिस्टम वॉज फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग द नोबल्स, तो उनको इक्ताज दिया जाते थे नोबल्स को, तो नोबल्स का काम होता था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। समटाइम्स ये भी रहता था कि आपको किसी के नोबल को एसोसिएट कर दिया कि आपको भाई ये वाला इक्ता है कि आपको देखना है इसके बारे में। एंड नाउ किंग विल से दैट आपको सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आप अगर कलेक्ट करोगे सपोज 10 लाख रुपए, 10 लाख में से 50,000 आपको रख देने और बाकी का आपको किंग के ट्रेजरी को देना है। सो दिस वॉज द सिस्टम। तो ये इसलिए करता था किंग क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था, सो ताकि काम बंट जाए सभी में, इसलिए ये सिस्टम क्या करते थे दिल्ली सल्तनत के लोग। आगे हम मुगल्स में भी पढ़ेंगे ऐसा ऐसा सिस्टम। ये तो आपका इक्ता सिस्टम है, और क्वेश्चन ये भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, दैट इज सेम, जागीरदारी मनसबदारी सभी इक्ता का जैसा ही सिस्टम है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एक तरफ देगा सिस्टम, इक्ता सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम, और मराठास के भी अलग अलग सिस्टम थे, और दूसरी तरफ आपको शफल करके एम्पायर दे देगा कि किस एम्पायर में कौन सा सिस्टम था, दैट यू पीपल हैव टू मैच। सो क्लियर टिल नाउ, इल्तुतमिश इक्तदार, एंड इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश ही यूज्ड 3 kinds of coins, 3 तरह के coins हमने यूज करे। तो वो कॉइन्स थे आपके सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर और गोल्ड एंड कॉपर। सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड सिल्वर टंका, और कॉपर के गोल्ड को बोलते थे जिंतल, गोल्ड की कॉइन को बोलते थे दिनार। तो ये भी प्रीलिम्स पंक्टर है, सिल्वर टंका, कॉपर जिंतल एंड गोल्ड दिनार, दीज कॉइन्स वर इशूड बाय इल्तुतमिश। सो क्लियर टिल नाउ। सो नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर थोड़ा सा ही बचा है बस, उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज का। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने, नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश थे। देखो जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की एक बेटी थी, आपने सुना होगा मूवी भी आई थी उनके ऊपर, सभी ने सुना होगा, उनका नाम था रजिया, रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान। शी वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया एंड ओनली मुस्लिम रूलर, विमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। तो इल्तुतमिश वॉन्टेड हिज डॉटर टू बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान। सो व्हेन ही डाइड ही नॉमिनेटेड रजिया एज हिज सक्सेसर, कि मेरे बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बनेगी वो रजिया बनेगी। लेकिन इस बात में किसका ईगो हर्ट करा होगा, चालीसा का, क्योंकि चालीसा नेवर वॉन्टेड टू बिकम, दे नेवर वॉन्टेड टू कम अंडर द वेमेन, बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी एट दैट टाइम ऑल्सो, इवन टूडे ऑल्सो, दैट इट इज अ शरिया लॉ नेवर परमिट्स अ वेमेन टू रूल द मैन। तो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका सुल्तान था, सुल्तान हैव टू बी अ मेल, और फ्रॉम द इट एम्फेसाइजेस पेट्रियार्की। सो इल्तुतमिश डिसाइडेड कि मेरे बाद रजिया सुल्तान रूलर बनेगी, बट ये बात चालीसा को पसंद नहीं थी, सो दे डिनाइड इट एंड दे प्लेस्ड रुकमनुद्दीन, रुकमनुद्दीन फिरोज, रुकमनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन। इन्होंने रुकमनुद्दीन फिरोज को रूलर बना दिया 1236 AD में। लेकिन रजिया सुल्तान भी सुल्ताना थी, अपने पापा की बात को कैसे टालती, शी वॉन्टेड ऑल्सो टू बिकम द किंग ऑल्सो, उसे भी सुल्तान बनना था। सो शी अटैक्ट रुकमनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान
attacked रुक्मणी रुक्मनुद्दीन फिरोज एंड शी डिफीटेड रुक्मनुद्दीन. रजिया सुल्तान ने इसको डिफीट कर दिया रुक्मनुद्दीन को. एक कुछ महीनों की ही इनकी सरकार चली रुक्मनुद्दीन फिरोज की, और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सुल्तान बनी वो बनी आपकी रजिया सुल्तान. सो अबाउट रजिया सुल्तान वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास. सो टिल नाउ वी हैव स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत एंड इन द नेक्स्ट क्लास और इन नेक्स्ट क्लास और टू वी विल बी डन विद आर दिल्ली सल्तनत. सो फॉर योर होमवर्क पर्पज यू हैव टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस नोट्स एंड वट वी हैव डन टिल नाउ. यू हैव टू गिव ओकेजनल और फ्रीक्वेंट रीडिंग्स टू दोज नोट्स, ओनली देन दैट थिंग विल बी रिमेम्बर्ड. देखो अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, अगर आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएगी, आपको याद करना आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आप छोड़ दोगे, अगर मैनी ऑफ यू विल थिंक कि इस साल तो प्रीलिम्स देना नहीं है, हम प्रीलिम्स अगले साल देंगे, तो अगले साल याद करेंगे, अगले साल देखेंगे तब. अब मैं आपको धर्म से कह रहा हूँ, आपको कुछ याद नहीं आएगा अगले साल, भूल जाओगे सब कुछ. हर चीज़ ऐसी लगेगी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, हालांकि आपने क्लास करी है. तो अभी रिवाइज कर देना सो दैट आपको बाद में आसानी रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड इवनिंग. बाय बाय.